7 ZUFM 98.2 24/7 ZUFM 98.2 24/7 ZUFM 98.2 की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZUFM 98.2 फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, मजे में हैं, हैं? So, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? So, this is morning vibes with me. आपका हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे पूरे 11 बजे तक. करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल. लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिसेस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का. सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है. आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर, सुनते रोज में, बताते नहीं है, चोरी चोरी छुपके छुपके. चलन जी बहुत हुआ घुन्नापन, जल्दी से बताइए कौन कौन कहाँ कहाँ से सुनता है हमें सुबह सुबह. सो आप चाहे शहर से बाहर हैं, सुबह से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, आप बहुत ही आसानी से हमारी लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग सुन सकते हैं ऑन फेसबुक बाय सर्चिंग ZUFM 98.2. लेकिन अगर आप वापस से बाहर हैं, ओ माय गॉड, यानी कि अगर आप वापस से बाहर हो गए ना, मतलब आपको तो काम ही खराब है फिर. हमारे शो में आने के लिए ना आपे में आना पड़ता है. सो आपे में आइए, हमारे शो में आइए, क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं? तो जल्दी से सर्च कीजिएगा ZUFM 98.2 ऑन फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल. तो वहां पर लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग मौजूद है, वहां पर जाकर कॉमेंट्स कीजिए, बताइए कौन कौन कहाँ कहाँ से मौजूद है हमारे साथ. तो अगर बहुत दिनों बाद आए हैं तो क्यों बहुत दिनों बाद आए हैं ये भी बताएंगे. जो लोग जो है वो बड़ी छुट्टियों के बाद आए हैं, कहते हैं हम बड़े दिनों बाद अभी आपको सुन रहे हैं, मसरूफ थे, तो बता दीजिए भाई. सो बातें बहुत सारी करेंगे, आपको इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करना है @RJFarhanaOfficial, जाकर जल्दी से मेरा अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में आ जाए बहार, निखार, सवार. सो अगर कोई शो मिस कर दिया मेरा, कोई मसले वाली बात नहीं है, सर्च कीजिए यूट्यूब पर सैयदा फरहाना अली, नकालों से होशियार, बहुत सारे अकाउंट हैं सैयदा फरहाना के नाम से. सो सैयदा फरहाना अली मेरी पिक्चर जिस पर लगी ना, उसी पर जाकर आपने फॉलो करने, सब्सक्राइब करने, सही है? सो
जो जो आपने शोज मिस कर दिए आप वहां पर जाकर बहुत ही इजीली सुन सकते हैं। बिल नहीं आता आपका, पैसे भी नहीं लगते, सही है ना? हाँ, इंटरनेट का बिल जरूर आता है, जाहिर है वो तो आएगा, वो कौन सा रोज आता है। सो चलन जी, पहले आपको एक गाना सुनवाते हैं और जब हम गाने के बाद वापस आएंगे तो फिर हम ये करेंगे कि क्या करेंगे, हमने ये करना है कि हम आपको आज के टॉपिक्स बताएंगे कि आज के टॉपिक्स क्या हैं। लाइन कंप्लीट करने के लिए देंगे, टॉपिक देंगे, वापस आकर ही पता चलेगा। ये तो लड़के ने कोई गाना बताया था मुझे, सो नहीं यार, अभी वो गाना भी क्या कहाँ चला गया, ये वाला गाना प्ले किया अगर हमने, अगर हमारी स्ट्रीमिंग गई तो मौसिन बता रही हूँ तुम्हें। वैसे जाने का सवाल तो नहीं है, चला यहाँ से प्ले कर देते हैं, ठीक है? सो एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, वापस आएंगे इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने कहीं नहीं जाना भाई, कहीं चले गए ना। आ चुके हैं एंड इट्स 20 minutes past 9 ऑन द डायल राइट नाउ। चैलेंज जी, दो टॉपिक्स हैं आप लोगों के लिए, लाइन कंप्लीट नहीं करते हैं। सो चलें जी, मुझे सोच जवाब आज जो मेरे जहन में आ रहे ना, सोच सोच कैसे आ गया। खैर जी, आप लोगों ने भी मज़े के जवाब देने। सो हमने एक दफ़ा एक टॉपिक रखा था कि अलादीन का सिराज जब आप लोगों को मिल जाए तो तीन ख्वाहिशात जो है ना, आप उसे क्या करेंगे, क्या पूरी करवाएंगे, है ना? सो हम आपसे पूछते हैं आज, अगर आपको कभी अलादीन का चिराग मिल जाए एक दिन के लिए, तो आप उससे क्या क्या काम करवाएंगे। एक दिन के लिए, देखिए पूरा एक दिन है आपके पास, सही है ना? सो अलादीन का चिराग आपको मिल गया, कहीं से भी मिल गया, और आपने जो है ना उसको उठाया, और जैसे आपने उसको उठाया उसमें से एक जिन निकल के बाहर आ गया, क्या हुक्म है मेरे आका। तो फिर आपने, और वो कहेगा कि मैं आज सारा दिन आपका गुलाम हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। तो आपने बताना क्या क्या काम करवाएंगे उससे, सही है ना? सो बहुत सारे काम हो सकते हैं, ठीक है? सो आप लोगों ने बताया ना, जल्दी से बताइएगा, तो मज़े के आंसर्स होंगे तो और मज़ा आएगा। साथ साथ हम कहते हैं कि भाई एक दफ़ा मैंने, चलें वो उसको छोड़ देते हैं। अगर आपसे कभी कहा जाए कि आप जिंदगी में सिर्फ, आपको पूरी ज़िंदगी के लिए सिर्फ एक ही इंसान को आप सिर्फ कॉल कर सकते हैं, आप और किसको, किसी को भी कॉल नहीं कर सकते कभी ज़िंदगी में, मैसेज आप सबको कर सकते हैं लेकिन सिर्फ कॉल आप सिर्फ एक ही बंदे को कर सकते हैं, तो वो कौन इंसान होगा जिसको आप पूरी ज़िंदगी कॉल करना चाहते हैं, और ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना? देखिए अब मज़ा आएगा, आज मज़ा आएगा, देखिए सब आज ऐसे ऐसे राज खुलेंगे ना लोगों के। सही है, सो जल्दी से बताना, सर्च करेंगे ZU FM 98.1 फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल। सो दोनों जगह पर जाकर, दोनों पेजेस पर जाकर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपना जवाब, ऑफ कोर्स जो टॉपिक पर आप जवाब देंगे सो मैं उसको बिल्कुल शामिल करूंगी। सो आपने बताना है कि
अगर आपसे कहा जाए कि आपको ना सारी जिंदगी आपने जितने लोगों को कॉल्स करनी थी कर ली, लेकिन अब आपको सिर्फ एक इंसान को चुनना है कि आपने सारी जिंदगी सिर्फ उसे ही कॉल करनी है, आपको जब भी कोई काम हो कोई भी बात हो आपने सिर्फ उसको कॉल करनी है, कभी भी ये नहीं कि यहाँ वहाँ से बातें पता चली आप कॉल करके किसी को बताएंगे और भाई आपके यू नो कहते हैं ना कि जब तक दिल हल्का करना है दिल हल्का करना है तो बस आपको सिर्फ एक ही इंसान चुनना है, वो SMS पे आप सबसे बातें कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि WhatsApp, लेकिन कॉल आप किसी को नहीं कर सकते, कॉल सिर्फ आपने एक ही बंदे को करनी है और वो कौन होगा, क्योंकि अक्सर लोग बड़े लेजी होते हैं ना SMS या फिर WhatsApp पे टाइपिंग में, सो उनको टाइप करना पसंद नहीं होता। जल्दी से हमारे साथ शेयर कीजिए, आप लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं, माशाल्लाह वल्लाह क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। मोहम्मद फराज कहते हैं ये कैसा सॉन्ग है, जैसा भी सॉन्ग है हमें क्या, इतना बुरा नहीं था वैसे गाना। हाँ कहना चलो शुक्र है आदमी को प्ले नहीं किया, जेलस कामयाब बंदे से हर कोई जेलस होता है भाई, सीधी सी बात है। क्या कह दिया फरहाना, हाय फरहाना क्या कह दिया। चलें जी मजाक कर रही हूँ, दिल पे नहीं लेना, पता चले चलो ठीक है। खैर बात करेंगे हम एक्वेरियस की, एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, कॉल्स आज 10 बजे के बाद शामिल करेंगे, तमाम लोग कॉल कर सकते हैं, नए नवेले पुराने बच्चे और बुज़ुर्ग और वो ख़वातीन लड़कियाँ जो 10 साल से लेकर 100 साल की उम्र की हैं वो लोग भी हमें कॉल कर सकती हैं। सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ, खबरें शबरें भी शेयर कर देंगे, लेकिन अगर कोई काम की हुई तो भाई आजकल तो क्या क्या खबरें आपको देखने को मिलती हैं ना कि बस रोंगटे खड़े हो जाएं। खैर चलें जी हम आपके स्टार्स की बात कर लेते हैं पहले, और बाकी जो न्यूज़ है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे थोड़ी सी देर में कि क्या चल रहा है भाई पाकिस्तान में, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है। सो सुन रहे हो दुनिया वालों, तो चलें जी पहला स्टार है एक्वेरियस, सो एक्वेरियस की बात करते हैं, एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आज आपको अपनी जज्बातियत और जोशीली सोचों से निमटने में मुश्किल पेश आ सकती है, जबकि आपको उन हालात में बिला ज़रूरत कोई काम नहीं करना चाहिए और ना ही आपको अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई भी अहम कदम उठाना चाहिए और ना ही कोई अहम फैसला कबल वक्त करना चाहिए, क्योंकि आज मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने के लिए बेहतर वक्त नहीं है। आपके कुछ अर्से कबल किए गए इकदाम की वजह से बहुत से मनसूबों के नतज सामने आ सकेंगे, ये वक्त आपको बता सकेगा कि कामयाबी हासिल करने के लिए क्या करना जरूरी है। सो आज के दिन अपने अंदर पैदा होने वाले मुख्तलिफ किस्म के खदशात और शकों को शोबात को अपने हाथों खत्म करने की कोशिश करें, ठीक है ना, सो डोंट बी अ शकी, ठीक है, सही है। बात करते हैं पाइसिस की, पाइसिस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आज आपकी लाइफ पार्टनर की जानिब से अपने रिश्तेदारों की मदद कबूल करने के लिए इसरार किया जा सकता है, और इस मामले में आपका फैसला क्या होता है, रिश्तेदार मदद करते हैं, कौन होते हैं भाई वो हैं, हमारे यहाँ तो मदद मांगते हैं। सो कहते हैं इससे कतः नज़र आपको सिर्फ अपने कहे गए अल्फाज के बारे में मोहतात रहना होगा, आपके मामला तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही अंजाम दिए जा सकेंगे, सुनना ले बस क्योंकि ना चुपके चुपके सुन रहे होते, पता है मज़े की बात ये, सो पता बाद में चलता है ये सुन रहे थे हमें कौन सा दादा सुन रहे थे हैं। साथ साथ इस मौके पर आप बहुत पुरउम्मीद और जोशीले भी हो सकते हैं, सो अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए आप किसी कारोबारी सफ़र का प्रोग्राम भी बना सकते हैं और आपके दीगर मामला भी ठीक से ही चल सकेंगे। दूसरों से मुतल्लिक़ मामला को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करके अपने दोस्तों के साथ मौजूदा ताल्लुकात को उरूज पर पहुंचा सकेंगे। एंड पता है मज़े की बात क्या है, आजकल ना लोग कभी भी आपसे कोई बात ना मुंह पे आकर नहीं कहेंगे, कोई भी बात बुरी लग जाए ना हम तो ऐसे ताने दे दे के मार दे बंदे को। लेकिन लोग पता क्या करते हैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दें, उनको क्या पता उनका तो स्टेटस ही म्यूट होगा तो फिर अगला बंदा क्या देखेगा, उनके टॉन्ट्स उनके ताने कैसे देखेगा। सो लेकिन पता चल जाता है, लेकिन देखिए मैं किसी का स्टेटस म्यूट नहीं करती है, पहले बता दूँ, पता चले लोग कहेंगे अच्छा इसलिए हमारा स्टेटस नहीं देखती।
नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, वो 400 तस्वीरें मुझसे देखी नहीं जाती असल में, बात सारी है। सो बात करते हैं एरीज की, एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सो आज सितारों की पोजीशन की वजह से आपको अपनी सोचों को बहुत वाजे रखना होगा, वरना आपकी हिचकिचाहट और झिझक की वजह से तमाम इकदामात गलत साबित हो जाएंगे। अगर आप अपनी जज्बाती हालत और गोमगु की कैफियत में काबू पाने में कामयाब हो गए, गोमगु होता है यानी कि यू नो डावर डोल जब होते हैं आप, किसी के बारे में कन्फर्म है कन्फर्म नहीं है, यकीन और बेयकीनी की जो कैफियत होती है उसको कहते हैं गोमगु की कैफियत, पर काबू पाने में आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। सो फिर यकीनी तौर पर आपको किसी भी मैदान या शोबे में शिकस्त का सामना ना करना पड़ेगा। इस वक्त ज़रूरत अपने एतमाद को बरूए कार लाने की है। सो आपके सामने किसी नए कारोबार में शमूलियत की पेशकश आने से वक्ती तौर पर आपके लिए फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, जबकि आपके लिए बेहतर यही है कि आप किसी भी किस्म के ढीले ढाले या हिचकिचाहट भरे फैसलों की जानिब ना जाएं, बल्कि दलेराना फैसले करके उन्हें अमली शक्ल दें। तो आजकल ज़्यादातर लोग जो है वो डरबों के होते हैं, दिलेर तो होते ही नहीं है। सो दिलेर सिर्फ एक इंसान है और वो है दिलेर मेहदी। सही ना, जिसका नाम दिलेर है बस वही दिलेर है, आजकल कोई दिलेर नहीं है भाई। बात करते हैं टॉरस की, टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने आप को किसी भी हालत में बहसों मुबहसे में मुलव्वस ना करें और ना ही किसी मामले पर तकरार करें, क्योंकि ऐसा करने से लड़ाई झगड़े की बुनियाद अस्तवार हो सकती है और आपको ऐसी किसी भी हालत को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार रहना होगा। अपने मामूलात की अंजामदही में आपको अपने वजदान पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अपने ख्वाबों को सच करने के लिए किसी भी किस्म के नए मंसूबों को बरूए कार लाने की कोशिश ना करें, वरना कई कामों को बोझ जो है वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाएगा आपके लिए। सो किसी से अपनी माली हालात के बारे में मशवरा करने से आपको हज़्ब ख्वाहिश माली मदद हासिल हो सकेगी, लेकिन एक बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि वो इंसान वाकई ऐसा हो कि जिससे आप मदद ले सकें। ये भी तो एक बड़ा मसला है ना, क्या आप अगर यू नो किसी की मदद लेते हैं, मदद ले लेते हैं और वो बंदा गलत है जिससे आपने मदद ली है। मतलब कुछ लोग अपने एहसान को राज नहीं रखते कि हमने किसी पर एहसान किया तो उसको राज रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। पता चले। सो वैसे मांगना सिर्फ अल्लाह ताला से ही चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ना बताए आपको, अल्लाह ताला इतना अच्छा है मैं आपको क्या बताऊँ। आप लोगों को खुद भी पता है ऑफ कोर्स, जैसे हम जो है वो किसी परेशानी में अटक जाते हैं कहीं पर, यू नो कहीं पर परेशान हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, आप सिर्फ़ अल्लाह ताला से दुआ करें यकीन के साथ, फिर देखें आपके लिए कैसे रास्ते बनते हैं, आपके लिए कैसे आसानियाँ पैदा होती हैं, रुकावट पैदा करने वाले लोग भी आपके रास्तों से हट जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द ट्रूथ, यू नो। सो चलें जी, बातें हमारी बहुत सारी चलती ही रहेंगी और आपकी कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ से मौजूद है हमारे साथ। हमने आपसे पूछा है भाई, अगर आपसे कहा जाए कि आपने ज़िंदगी भर सिर्फ एक ही इंसान को कॉल करनी तो वो इंसान कौन सा होगा, और साथ ही साथ अगर आपको एक दिन के लिए मिल जाए आपको अलाउद्दीन का जिन, तो क्या काम करवाएंगे उससे, क्या क्या काम करवाएंगे, यू नो। सो ओके, हम जो है वो चैलेंज यहाँ से शामिल कर लेते हैं कमेंट्स को। राशिद सुलेमान का कमेंट गायब हो गया, सो आज पता नहीं क्या हो गया मुझे। अचानक से ऐसी आवाज़ निकली है। खैर, मोहम्मद अली कहते हैं ज़बरदस्त टॉपिक जी, हाँ तो लड़के बात करो, ज़बरदस्त टॉपिक तो है, बिल्कुल है, हमें पता है। साथ साथ मुदस्सर एहसान कहते हैं कि अस्सलामुअलैकुम आरज़े सैयदा पर आना मेरी सिस्टर, गुड शो। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एंड काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मोहसिन अहमद कहाँ हैं, मसूद अहमद साहब कहते हैं कि आप ज़रा कोशिश करके अपने शो या सदफ़ मैम के शो में मोहसिन से मुलाकात करवाएं प्लीज़, और उनसे कहें कि जो आप SFA एंड सदफ़ मैम के मॉर्निंग शो के पोस्टर बनाते हैं उसमें मेघना मैम की वो वाली पिक लगाएं, मैम ने हेडफोन लगाया हुआ है। ओके हैं, कौन सी वाली, ये वाली मेरी कौन सी पिक्चर आपने देखी जिसमें मैंने हेडफोन लगाया हुआ, इंस्टाग्राम वाली, इंस्टाग्राम पे जो एक्चुअली ये वाली पिक्चर पुरानी है, ये जो अभी लगी हुई है, सो ये 2 साल पुरानी है गेस शायद।
when I was a little chubby. So I was chubby. So, ये जब की पिक्चर है, दो साल पहले की तकरीबन. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मोहसिन को. बिल्कुल जी, आप हुमैरा के शो में सुनेंगे खास मेहमान में बहुत जल्द. सो थोड़ा सा इंतजार करें. सो आप हमारे जो हमारे आईटी टीम मेंबर हैं मोहसिन, आप मोहसिन को भी सुन पाएंगे. मोहसिन मुगल, मुगल साहब, सही है ना? सो ठीक है. साथ साथ अली असगर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम बच, क्या हाल है? और मेरा सबको सलाम. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. सज्जाद कहते हैं बहावलपुर से सुन रहा हूँ. अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. शमशाद खरल कहते हैं कि सलाम जी, कैसी हैं आप? उम्दा शो. वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताइए शमशाद खरल, आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं. कहते हैं कि आबिद अमीर अस्सलाम वालेकुम, कड़क चाय जैसी आरजे आंख खोलने, नींद उड़ाने और दिमाग की बत्ती जलाने के बहुत काम आती हूँ लड़की. चलें, शुक्र है किसी की आंखें तो खुल जाती हैं मेरी आवाज से. आंखें खुलना जरूरी है. कितनी गहरी बात कर दी ना. वालेकुम अस्सलाम आबिद अमीर, क्या हाल है मेरे भाई? ठीक है, आप खैरियत से हैं? हैं खप्पा साहब. शमशाद खरल कहते हैं क्या काम ले सकते हैं अलादीन के चिराग से? अरे अलादीन के चिराग से नहीं, उसके अंदर से जो जिन निकलेगा उससे बात, उसकी बात कर रहे हैं. काशी वली मलिक कहते हैं कि कल रात को मोहसिन भाई से बात की, कॉल पर बहुत अच्छा रहा टाइम. वाह भाई जबरदस्त, क्या बात है. मोहम्मद अली कहते हैं कि टॉपिक वन पर जवाब है कि सारे घर के काम करवाऊंगा और बाकी मोहल्ले वालों को तंग करवाऊंगा. बस तो देखो अली, अभी फिर मैं तुम्हें कुछ कहूंगी तो फिर नजीर भाई आगे बोलेंगे कि मैं तुम्हारी टांग खींचती हूँ. मैं टांग नहीं, कान खींचती हूँ, क्योंकि आपने लिखा हुआ तंग करवाऊंगा. तो टॉपिक टू पर जवाब है कि मैं बस अपने लेट अब्बू जी से बात करना चाहता हूँ, पर शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है. नहीं, जो दुनिया में है हम उनकी बात कर रहे हैं, जो दुनिया में नहीं है उनकी बात नहीं कर रहे हैं. कह रहे हैं वो अगर कोई है तो वो एक बेवफा है, उसको करूँगा कॉल. और आप इधर कहते हैं क्या या खुदा, दूसरे टॉपिक का जवाब कैसे दूं, एक बंदे को कॉल. हाँ देखा, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे. जामी इमरान आफ्ताब कहते हैं वेलकम, गुड मॉर्निंग, सलाम आरजे. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. जियाउल्लाह खान कहते हैं ये तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, लेकिन पहले आप अपना बताएं. मैं अपना बाद में बताऊंगी, पहले आप लोग बताएं. सो जाम इमरान आफ्ताब कहते हैं फ्रॉम मुल्तान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. आरिफ आहद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. वैसे मजे की बात बताऊँ, अगर मेरे पास कोई एक दिन के लिए जिन भी आएगा ना, मुझे उस पर यकीन ही नहीं आएगा. भरोसा करना बहुत मुश्किल है भैया, आजकल इंसानों पर भरोसा करना मुश्किल है, किसी जिन पर कैसे भरोसा करूँगी मैं. वो तो कोई भी काम करके आएगा तो मैं तो उस पर डाउट ही रहेगा, मुझे तो कुछ गलत ही करके आया है भाई ये. राजा सलमान कहते हैं अगर अलादीन का चिराग मुझे मिल जाए ना तो मैं अपने बचपन मांग लूंगा बस. हाँ देखिए, ऐसी सच बताए ना, क्या बात है राजा सलमान. मोहम्मद फराज कहते हैं हाँ मैं किसी से जलस नहीं होता. हाँ मजाक कर रही हूँ फराज, दिल पे नहीं लो, बिल्कुल भी दिल पे नहीं ले रहा. साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताइए आप कैसे हैं? मोहसिन ठीक हैं, खैरियत से हैं. लाहौर का मौसम कैसे है भाई, क्या चल रहा है लाहौर में ये तो बताएं. कहते हैं कि अल्लाह पाक से दुआ है कि वो आपकी हर परेशानी, हर दुख, हर मुसीबत मुझे दे दे, आप पर कभी कोई दुख तकलीफ ना आए, आमीन सुआमीन. अरे लड़के ऐसा नहीं कहते, अल्लाह ताला हर किसी की परेशानियाँ, दुख और मुसीबतें दूर करे, लेकिन ऐसा नहीं कहते. बहुत शुक्रिया, मुझे पता है कि आप जो है बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ मुझे दुआएं देते हैं, लेकिन मैं दुआ मेरी यही है कि आप हमेशा खुश रहें. किसी की मुसीबतें, किसी की भी अगर कोई मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, सो वो वक्ती हैं, दूर हो जाएंगी. कोई दुख में है तो उसका दुख भी जो है वो दूर हो जाए, मैं दुआ करती हूँ. और मोहसिन लियाकत आपके लिए तमाम दुआएँ ऑफकोर्स. सासद मोहम्मद अली कहते हैं कि मेरी तरफ से खुद को और 573 ब्रेकअप वालों को सलाम. अच्छा ठीक है, वालेकुम अस्सलाम. कहते हैं आप ही आज मजाक मस्ती का मूड है, इजाजत है? हाँ बिल्कुल जी, इजाजत है अली, फिर तैयार भी रहना फिर तुम. मोहम्मद अली कहते हैं पाकिस्तान में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है वो. आबिद अमीर कहते हैं कि अरे लड़की, हैरान कुन तौर पर टमाटर 10 से 15 रुपए केजी है, सो बहुत सारे टमाटर कैसे सेव करें? बहुत
बहुत सारे टमाटर ऐसे सेव करें कि आप जो है वो टमाटर प्यूरी बनाएं, पहले जो है वो हल्का सा बॉईल कर लें टमाटर को। मैं क्या टिप्स टोट के बताने आ गई हूँ चलें बता देते हैं, कोई नहीं आपकी काम ही आएंगी। सो आपने अगर 2 से 3 kg आपने टमाटर लिए तो आपने क्या करना है, पहले पानी को बॉयल करना है, उसके अंदर आपने जो है वो टमाटर को डालना है 2 से 3 मिनट के लिए, इसको जो है वो उसके अंदर पकने देना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं पकाना। फिर उसको उतारना है उसका छिलका, ठीक है, निकालने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद आपको उसके तमाम छिलके उतार लें, और उसके बाद उसका आपने पेस्ट बना लेना है, ठीक है, आपने उसकी प्यूरी बना लेनी है, ब्लेंड कर लें उसको, और उसके बाद आप उसको एयर टाइट बैग्स में आप उसको डाल दें और उसको फ्रीज कर दें, बहुत महीनों तक चलेंगे, आई एम टेलिंग यू। सो ये जो चीज़ें होती हैं ना कि फ्रीज करके रख दिया, कबाब बना के रख दिए, और यू नो पुलाव की यखनी बना के रख दी, और कोई मेहमान आ गया ना अचानक से, हमने जल्दी से निकाली सारी चीज़ें, फटाफट से खाना तैयार, मेहमान भी हैरान हो जाते हैं ये क्या हो? इतनी सुघड़ लड़की उनको क्या पता आधा काम पहले से हुआ होता है। सो ये वाले टाइम बचाने वाले काम ज़रूर किया करें। सो जब भी ज़रूरत पड़े आप थोड़ी देर पहले निकाल के रख लें उसको, फिर वो यू नो डी फ्रोज हो जाएगा तो फिर इस्तेमाल कर लीजिए पेस्ट, सीधी सी बात है। राशिद सुलेमान कहते हैं अगर लास्ट कॉल हुई तो आपसे बात करना बहुत दिल चाहता है लेकिन बात हो नहीं सकती, तो आपसे ज़रूर कहूँगा शहजादी साहिबा। अच्छा चले मेरे भाई, आप कॉल कर लीजिएगा, आज हम सबको मौका देंगे, चाहे वो नए नवेले हों पुराने हों, ठीक है ना, सबको कॉल का आज मौका देंगे। सो मज़े की बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कल भी हम पुराने कॉलर का दिन रखेंगे, नए नवेले पुराने, हाँ, लेकिन जिन लोगों से आज बात हो जाएगी वो लोग कल कॉल मत कीजिएगा, बाकी इसके अलावा हर कोई कॉल कर सकेगा कल, ठीक है। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं कि फर्स्ट विश एक मस्जिद और सेकंड विश एक घर सी साइड पर, और आपका कमेंट स्क्रॉल हो गया है, क्या बात है भाई, सी साइड पे घर, ज़बरदस्त। और साथ साथ शफकत अब्बास कहते हैं कि वेरी गुड शो विद ब्यूटीफुल वॉइस मैडम, आपका जो है वो कमेंट स्क्रॉल हो गया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली कहते हैं कि आज और कल हमारा दिन है आप ही कॉल पर, बिल्कुल जी। और मोहम्मद फराज कहते हैं कि मैं भी नहीं देखता स्टेटस, टाइम नहीं होता, हाँ भाई एक तो किसी ने कुछ काम की चीज़ें लगाई तो बंदा देख भी ले, ठीक है, लेकिन ये 400-500 पिक्चर्स कौन देखेगा किसी की, मैं तो कभी नहीं देख सकती भाई। जियाउल्ला खान कहते हैं कि अल्लाह दीन का अगर कभी आपको कभी चिराग मिल जाए तो आप सबसे पहले अपनी कौन सी ख्वाहिश जाहिर करेंगे, तो बताया था ना, मैं तो उस पर शक करूंगी पहले मुझे तो यकीन ही नहीं आएगा उस पर वो काम कोई सही ढंग का करके आया है। सो ठीक है, और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं नाइस नाइस ऑन दिलेर। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम वो जो वहाँ बल्दिया टाउन में मेरी बहू रहती है मिसेस राना इमरान राजपूत के लिए दुआ करनी है कि इसकी तबीयत जो है वो लगातार अलील चल रही है, चले थी, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाए, और कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहू को जल्द सेहतियाब करे, आमीन सो आमीन। बहुत शुक्रिया कहते हैं कि मैम का बेहतरीन एंड क्या है डिज़ाइन वाला सूट सिलकर मैम को मेघना से मंगवाती बना दिया बेहतरीन डिज़ाइन अच्छा ठीक है, मोहम्मद अली कहते हैं आदि असलम को शामिल करके ना बहुत अच्छा नेक काम करती हैं आप, है ना, बिल्कुल जी ऐसे ही। काशिफ अली वाले कहते हैं अच्छा जी आपके बाद इतने फारिग लोग हैं जो 400 तस्वीरें लगाते हैं, कौन ऐसे फारिग लोग, इतना टाइम होता है क्या उनके पास, मेरे बाद व्हाट डू यू मीन बाय दैट, ये आपके पास कहना चाह रहे काशी वाली मालिक, लग रहा है तोबो का रुख आपकी तरफ करना पड़ेगा है, देखो खुद वो कहते हैं ना छेड़ मलंगा नू, तो मैंने तोबो का रुख घुमाया ना काशी वाली मालिक, आप भी ना लाइन में शामिल हो जाएंगे लोग। मौसम लियाकत कहते हैं कि मुझे एक दिन का मौका मिला तो मैं उसे कहूँगा कि मुझे कराची ले चल सबसे पहले, कमेंट स्क्रॉल हो गया। और साथ साथ राना इमरान राजपूत कहते हैं आज मैंने ऑफ की है, वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा सिस्टर, चलें जी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी वाइफ को मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाए, उनके साथ जो भी परेशानी है जो भी सेहत के मामला हैं उनको मुकम्मल तौर पर ठीक कर दें और उनको सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सो आमीन। और मसूद अहमद साहब का कमेंट स्क्रॉल हो गया, आबिद अमीर कहते हैं एक बंदे को कॉल करनी है तो मैं ZU FM पर कॉल करूंगा
मीना और आ गई, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो लड़की समीना। साथ साथ राशिद सुलेमान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जो गया वो मैसेज क्या वाह वाह होगा, है वाह वाह होगा। जुबैर लाडा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो फरहाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। हैदर अली कहते हैं कि हाय, और साथ ही साथ राना इमरान राजपूत कहते हैं सिस्टर क्या कह दिया आबिद भाई को, खापा। हाँ आपको नहीं पता, हमने इनका नाम रखा हुआ है खापा साहब। और साथ साथ तनवीर खान कहते हैं कि सलाम जी, कैसी हैं बाजी, बहुत ही अच्छा शो है हमेशा की तरह, और अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। तमाम सुनने वालों को नेक तमन्नाओं के साथ सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। समीना उमर कहती हैं कि कॉल में अपनी बेस्ट फ्रेंड हलीमा को करना चाहूँगी ज़िंदगी भर, क्योंकि हमेशा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करती है वो। ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि हेडफोन से ज़रा क्या है रोब बनता है, इस वाले पिक से लगता है कि किसी मदरसे की मुअल्लिमा है। जिनकी तरफ देखते हुए भी डर लगता है, फिर तो ये पिक्चर लगी रहनी चाहिए। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि आप ही लिमिट वाला मजाक मस्ती करने की इजाज़त है, बिल्कुल जी, लिमिट में अगर सारे काम हो तो बहुत अच्छी बात है। साथ साथ राना इमरान राजपूत कहते हैं कि साड़ी भी हाजिरी लगा दो जी, चलें जी आपकी भी हाजिरी लगा दी है, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। एंड साथ साथ अरसलान खान कहते हैं कि अलादीन के जिन से क्या है दो बंदों को ख़त्म करवाऊँगा, कॉमेंट स्क्रॉल हो गया। और साथ साथ वकील कुमार जयपाल कहते हैं कि गुड मॉर्निंग टू यू ऑल न्यू लिसनर्स एंड ओल्ड गोल्ड, मैं हारून भाई, हारून भाई वकील कुमार जयपाल की आईडी से हारून भाई। अच्छा कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड मैन हारून भाई, ठीक हो गया, चले जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, ये जो बुजुर्ग होते हैं ना ये सरमाया होते हैं, और अल्लाह ताला का करम ही होता है कि देखें हमारे शो में भी बुजुर्ग मौजूद हैं, मिसेस फारूक और मिस रोजलिन, मैंने आप लोगों को नहीं कहा तो सही है, तो आप लोगों ने नहीं दिल पे लेनी है बात मेरी, आप लोग तो देखिए लड़कियों की लिस्ट में आती है ना, तो आप लोगों ने कॉल नहीं की है, मुझे लग रहा है आप लोगों की कॉल नहीं लग रही है, तो मैं चाहूँगी भाई आ जाएं आप लोग भी, मज़ा आता है मुझे आप दोनों से बात करके बहुत ज़्यादा। साथ साथ समीना उमर कहती हैं कि मैं उससे चिराग ही मांग लूँ, लो चिराग मांग लेना और खुद उसके अंदर जाके बंद हो जाना, सही है समीना। बहुत सारे लोग बच जाएंगे, क्या ख्याल है समीना, है नई पुरानी। साथ साथ राना इमरान राजपूत कहते हैं कि टॉपिक वन पर कि मैं अपने बचपन की यादें और अपने माँ बाप को मांगूंगा, ओके। और साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि जिन पर मैं भी भरोसा नहीं करूँगा, हाँ कोई भूतनी हो तो कहूँगा कि अरे लड़की ट्रैक प्ले कर दे, और कहूँगा तुम कितनी अच्छी हो। सही है। काजी वाली वाली कहते हैं आज का मौसम कितना प्यारा है ना, दिल कर रहा है जब तक ऐसा मौसम है सफ़र में ही रहो, क्या करें ड्यूटी करना भी ज़रूरी है, आज का मौसम किसने कहा प्यारा है भाई, धूप है बाहर। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं यूट्यूब सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम फॉलोड, पेजेस लाइक एंड बुक मार्क, ज़बरदस्त हो गया अली, तुमने सबसे अच्छा काम किया। साथ साथ काशी वाले मलिक कहते हैं अच्छा जी आपके पास इतने फारिग लोग हैं जो 400 तस्वीरें लगाते हैं, हाँ ये तो बता रही हूँ बहुत फारिग लोग हैं। अब सुन ना ले वो फारिग लोग। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि लड़की मुझे अपनी खातिर में क्यों नहीं लाती, मुझे तो कोई किसने बोला भाई, क्या हो गया। ऐसा मैंने कब किया ज़ियाउल्लाह खान मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपके कॉमेंट्स मुझे कम नजर आते हैं तो मैं क्या करूँ, क्या करूं मैं, क्या करूं, मेरे को इमोशंस नहीं है। सुनिए आप देखिए आप लोग इतनी बड़ी वायरल हुई ना वीडियो, हाय आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें याद आ जाती हैं मुझे एक जुमले पर। खैर मोहम्मद अली कहते हैं कि मेरी तरफ से एक सवाल आबिद अमीर भाई के लिए कि उनकी क्या है उनकी हर बात में खापा क्यों शामिल होता है। देखो अली मैंने उस दिन बताया तो था तुम्हें ये। साथ साथ तनवीर खान कहते हैं कि मेरा कमेंट शामिल नहीं किया, क्यों कर तो लिया और कैसे शामिल करें। साथ साथ राना इमरान राजपूत कहते हैं कि टॉपिक टू पर जवाब है कि मैं तो सबसे ज्यादा कॉल्स अपनी वाइफ को करता हूं और उसको ही कॉल करूंगा, क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। आरजे सीजोर आ गए वॉचिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड प्लकिंग एप्पल्स फ्रॉम अमेरिका और
दैट इज कश्मीरी सेब. सही है जीजोर, आरजे जीजोर है. सही है ना तुम्हारी वाली इंग्लिश बोली मैंने. कहते हैं VIP प्रोग्राम. सही है भाई. इमरान अली अब्बासी कहते हैं जमाना हमारे खिलाफ भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो जिंदगी आज भी अपने अंदाज में जीते हैं. ये चीज क्या बात है. सारा जमाना आपके खिलाफ हो जाए ना, बस आपने जो है ना अपना रास्ता नहीं छोड़ना अगर सही रास्ते पर है तो. गलत रास्ते में तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना चाहिए. नजीर अहमद मेहर कहते हैं कि स्वीट शो विद स्वीट मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. मोहम्मद अली कहते हैं ये बात की ना, अगर आज नहीं हुई बात तो कल चांस पक्का है. साबित अमीर कहते हैं कि लड़की रमजान में बड़ा मजा आएगा शो में, वैसे रमजान में जरूर आना है, ये ना हो कि गर्मी का बहाना. मैंने पिछले रमजान में छुट्टी की थी क्या? एक भी छुट्टी नहीं की थी मैंने, बता रही हूँ मैं. पूरे रमजान आई थी मैं, पूरे के पूरे रमजान एक भी छुट्टी नहीं की मैंने. हर रमजान में भी मजा आता है. और साथ साथ आरजे सीजोर कहते हैं कि कूल एंड कूल शो. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया. सैफुल्ला खोसो कहते हैं कि हाय गुड शो फ्रॉम सोहबतपुर बलूचिस्तान से. बहुत शुक्रिया आपका. क्या आप हमें सुनते हैं बलूचिस्तान से, इतनी दूर से. मौसम लियाकत कहते हैं कि लाहौर में कच्चा पक्का मौसम है, बुखार फ्लू और बुरा हाल है. वैसे ये आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा वायरल है. क्या बुखार और नज़ला ज़ुकाम ये तमाम चीज़ें, तो आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें. और मैं हमेशा कहती हूँ कि पानी का इनटेक बहुत ज़्यादा किया करें. पानी का इंटेक जब आप ज्यादा करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है. साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम टॉपिक पर ये कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा कोई मौका मिला तो मैं ZUFM की जहीन एंड आबिदा लिसनर एनी इलियास मैम से कॉल पे बात करूंगा और उनसे ढेर सारी दुआएं लूंगा. आमीन सुमामीन. और सारी जिंदगी उन्हीं को कॉल करनी पड़ेगी फिर, ये बात याद रखें. समझ में आ रही मसूद अहमद साहब. नज़ीर अहमद महर कहते हैं कि टॉपिक क्या है, महर नज़ीर फ्रॉम अलीपुर, थैंक यू सो मच जी. टॉपिक हमारा ये है कि अगर आपसे हम कहें कि आपको सारी ज़िंदगी सिर्फ एक ही बंदे से कॉल पे बात करनी है, आप किसी और को कभी कॉल नहीं कर सकते ना तो कोई और आपको कॉल कर सकता है, तो वो कौन सा इंसान होगा कि जिसको आप कॉल करेंगे या जिसके आप कॉल रिसीव करेंगे. ठीक है, और साथ ही साथ आपने बताना है कि अगर आपको एक दिन के लिए अलादीन का चिराग मिल जाए और उसका जिन भी आपको मिल जाए एक दिन के लिए, चिराग मिलेगा तो जिन मिलेगा ना, सो आप उससे क्या क्या काम करवाएंगे, अपनी कौन कौन सी ख्वाहिशात पूरी करवाएंगे, ये आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. सईद अहमद कहते हैं कराची से अस्सलाम वालेकुम फरहाना. अभी वालेकुम अस्सलाम. कहते हैं कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. कहते हैं कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और दुनिया की तमाम खुशियां आपकी झोली में डाले. आमीन सुमामीन कहते हैं. और पहले उससे क्या है कि जो दिलों में नफ़रत है वो ख़त्म करवाऊंगा, और अच्छा लोगों के दिलों में जो नफ़रत है वो ख़त्म करवाऊंगा और उसके अलावा हर इंसान के गुस्से को ख़त्म करवाऊंगा. और जहां तक आप ही आपका शो नहीं सुनाई दे रहा है ये हल करवाऊंगा. अरे सुनाई तो दे रहा है हमारा शो हर जगह. अच्छा वो कहते हैं पूरी दुनिया तक आपका शो पहुँचाऊंगा. अरे वाह क्या बात है, ये बात की ना आपने कि मेरा शो दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाएंगे, क्या बात है. सो और साथ ही साथ कहते हैं कि अच्छा जी और पहले आपको कॉल करूंगा सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम. अरे किसी एक ही को कॉल करनी है, पहले मुझे करेंगे तो कॉल पर किसी बाद में किसी और को कॉल करेंगे, ऐसे नहीं होता ना. साथ साथ हुसैन खान कहते हैं कि न्यूयॉर्क, ये लसबेला वाला न्यूयॉर्क है इनका. कहते हैं कि कहते हैं कि टॉपिक वन पर के पहले स्कूल लाइफ को वापस ले आता, दूसरा स्कूल GF को दुल्हन बना लेता और तीसरा उसी के साथ वर्ल्ड टूर पे जाता. तो टॉपिक टू पर सिर्फ कॉल उसी को करता जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता. ज़बरदस्त, देखो सच बोलना चाहिए, ये बात हुई ना. साथ साथ नाम किसी ने नहीं लिखा, लिखा सलाम मैडम, सलाम मैडम, और लिखा है मैडम मेरे मैसेज का जवाब दे दो. क्या जवाब दे दूँ, सलाम आपने लिख दिया. ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टेक्स्टिंग इन. जवाब मैंने दे दिया, सो जवाब हम दे देते हैं. अच्छा जी चलिए एक ट्रैक की जानिब जाते हैं, बातें बहुत सारी कर ली हैं मैंने. सो बातें हम करते रहेंगे, हमारा तो काम ही बातें करना है. यहाँ पे शो में आगे ऐसे ही किसी के मिलते हैं. सो अब जो हम गाना प्ले करने जा रहे हैं वो कोई ऐसा गाना होना चाहिए जो कि मैंने कभी प्ले नहीं किया या तो बहुत टाइम से प्ले नहीं किया.
अरे नबील को हमने बड़े टाइम से शामिल नहीं किया ना, चलो नबील का कोई गाना शामिल करते हैं. और कौन सा था वो गाना, बड़ा कोई मेरा फेवरेट था, उसको अगर हम शामिल कर लें तो क्या ही बात है. सो देखते हैं, ये वाला शामिल करते हैं और ये वाला शामिल करते हैं. ये वाला तो खैर बड़ा स्लो है, सो चलें जी ये वाला सुनते हैं. वापस आएंगे इसके बाद फिर करेंगे आपसे मज़ीद बातें. आपने बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना, अगर आप कहीं चले गए तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, ठीक है ना. सो हम नहीं चाहते कि आप कुछ भी मिस करें. सो एंजॉय करेंगे इस ट्रैक को साथ साथ. वापस आएंगे इसके बाद फिर करेंगे आपसे मज़ीद बातें. Keep rolling your comments on ZUFM 98.2 on Facebook. Stay tuned. Tere bina main jiyunga kaise? Raaste pe chhai hai khata. Tujhse main hoon, mujhme tu hai. Kaise phir ye tay ho faasla? ये इश्क का है मौसम, ये इश्क का है मौसम. प्यार की गलियों में खो जाए कहीं हम तुम. होने लगी है ये मुलाकातें, एहसास दिल को नया सा लगा. देखा तुझे तो दिल ने ये जाना, जो था जुदा सा जुड़ा सा लगा. ओ मेरा यार मेरा, मेरा प्यार मेरा, जो वो कानों में रस घोले, वो कानों में रस घोले. जान निकल जाए भीगे होंठों से जब बोले. झुकने लगा है आसमां जमीन पे, सिलसिला ये ऐसा अजब सा हुआ. महकी फिजाएं जुल्फों से तेरी, जैसे नशा सा होने लगा. बदला बदला हर रंग, तुझ संग लड़े नैना, तुझ संग लड़े नैना. चाहत है अब तो तुझे देखते ही.
बिल्कुल वापस आ चुके हैं एंड इट्स 57 मिनट्स पास्ट 9 ऑन द डायल राइट नाउ. तो चैलेंज जी आपके स्टार्स की बात करते हैं. टॉरस तक हमने बात की थी, अब हम बात करते हैं जेमिनी की. जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा? एंड ओके ठीक है चले. आज आपके सामने करने के लिए बहुत सारे काम होंगे, लेकिन जब हर काम दूसरे से जुड़ा होगा, जैसे कि आपको एक काम मुकम्मल करने के लिए दूसरा काम भी करना पड़ेगा, और जैसे एक काम मुकम्मल होगा दूसरा काम सामने आ जाएगा. सो बहुत सारे ऐसे काम होंगे, सो आप इसकी अंजाम दही में भी मसरूफ़ हो जाएंगे. लेकिन ऐसे मौक़ों पर आपको अपने ख़ानदान और घर के बारे में ही सोचना होगा. अपनी तेज़ रफ्तारी को काबू में रखने के बाद ही गाड़ी चलाएँ, ठीक है ना, और कोशिश करके धीमापन अख्तियार करें. साथ ही साथ ऐसे में ये भी याद रखें कि आने वाला दिन एक नया दिन होगा और पुराने दिन का तसलसल नहीं होगा. सो अपने प्यारों को और अपने लाइफ पार्टनर की ज़रूरतों को भी मद्देनजर रखने की कोशिश करें, और आज अपने आराम को पसे पुश्त डालकर अपने कामों की अंजाम दही में सरगर्म अमल ना हो, ठीक है. और चैलेंज बात करते हैं कैंसेरियंस की. कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपको अपने मामलात हल करने में किसी जिद या अना से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपना एतमाद बहाल रखते हुए आगे कदम बढ़ाने चाहिए. दिन में आपके किसी पुराने दोस्त के हादसे की खबर आपको आप तक पहुंच सकती है, खुदा ना खास्ता. सो जिसकी वजह से आपका बाकी ईमानदार शेड्यूल जो है मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकता है. किसी पुराने माली लेन देन की वजह से आपको घबराहट भी हो सकती है. सो अगर आप सफ़र में हैं तो आपकी मुलाकात किसी ऐसे अजनबी से हो सकती है कि जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो सकती है. सो मुमकिन तौर पर आज आपका कोई बुज़ुर्ग आपकी अमली मदद करके आपको आपके जज्बाती मसाइल में बहुत ज़्यादा उससे निकलने के लिए मदद करेंगे. जो मुश्किलात हैं उनसे भी निजात दिलाने की कोशिश करेंगे और निजात दिला भी पाएंगे. सो बात करते हैं लियो की. लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज मजमूई तौर पर कारोबारी मसरूफियात को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर दिन नहीं होगा, इसलिए अपने आप को ऐसी सरगर्मियों से बचाने की कोशिश करें. मौजूदा नामवाफिक हालात और नाखुशगवार असरात की वजह से अपने आप को आराम दें और ख़ुद को पुरसकून रखें. इसके अलावा अपने माली हालात की वजह से पैदा होने वाले खदशात और शकूक व शुबहात को भी नज़रअंदाज करते हैं. आज अगर आपने अपने लाइफ पार्टनर के मशवरों पर अमल बिल्कुल ना किया या उसकी फरमाइशें ना मानी, तो बस फिर तो झड़प हो जाएगी. सो अपने आप को इस तरह के झगड़ों से बचाने और अपने प्यारों के शिकवों को मिटाने के लिए अपने रिश्तेदारों के हाँ मेल मुलाकात के लिए जरूर जाएं. सो रिश्तेदारों से सिर्फ मेल मुलाकात के लिए जाना चाहिए, सारे खानदान की खबरें पहुंचाने के लिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना. हाय प्यारे होते हैं रिश्तेदार ना, इतने प्यारे होते हैं, इतने प्यारे होते हैं कि शहद भी उनके आगे फीका लगता है कभी कभी, इतने प्यारे होते हैं रिश्तेदार, पता है. सो चलें जी, हमने बात की लियो की, हम बात करते हैं वर्गों की. वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने काम की जगह पर हसब मंशा तब्दीलियां ना होने की वजह से आपने गुस्सा पैदा हो सकता है, जबकि उस गुस्से के मनफी असरात की वजह से आपको अपने जज्बात पर काबू रखना मुश्किल हो जाएगा. लेकिन ऐसा करना ज़रूरी होगा ताकि हर तरह के मनफी असरात से अपने आप को बचा सकें और आपके इर्द गिर्द मौजूद अफराद भी उन असरात से महफूज रह सकें. किसी बड़े और काबिल एहतराम शख्स की जानिब से आपके मामलों में दखल अंदाजी की जा सकती है. सर आप पे अभी सब कुछ मुनसर है कि उनके ख्यालात सुनकर आप उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं या लड़ाई झगड़े का आगाज़ कर देते हैं, लेकिन अपने सारे मामलों को निपटाने के बाद अपने आप को आराम देने की कोशिश ज़रूर करें. 03213660303 इस नंबर टू कॉल. कॉल हमारे सारी देखते हैं कौन है हमारे साथ, एंड कॉल ड्रॉप हो चुकी है. 03213660303 इस नंबर टू कॉल, और कॉल आ रही, चलें देख लेते हैं कौन है यह हमारे साथ कॉलर. एंड अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम, आपी अली बात कर रहा हूँ लाडी से, और मेरी पहली कॉल लग गई यार. चलें जबरदस्त हो गया अली, आज तुम्हारी लग रहा है तुम ज्यादा दवाई हिला के पी लिए. नहीं नहीं आपी, कल तो बस ये थोड़ा परेशानी गुजरा था, मेरे मामू हैं छोटे ना, उनकी बहुत तबीयत शरीर खराब हो गई. अच्छा चलें जी, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए. अल्लाह का शुक्र है वो काफी बेहतर है. चलें माशाल्लाह जी. बस अभी टॉपिक पे तो जवाब मैंने दे ही दिया है. हाँ, तो इसलिए टॉपिक को छोड़ दो ना, लेकिन अगर उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ टॉपिक टू वाले को जवाब, तो इजाजत है उसकी? कौन सा? हाँ हाँ, तो मेरी बड़ी दिली तमन्ना है नसीर भाई से ना बात करने की. अच्छा ठीक है, तो
उनसे ही मैं बात करना चाहूंगा। हाँ बस कल, हाँ बस कल नसीर भाई आके जो है ना बस अली और फराज की हिमायत लेके चले गए, तो ये ना फराज भी बोल रहे हैं कि नसीर भाई अपना एड्रेस बता दें आप कहाँ पर रहते हैं, और ये अली भी आ गए, वरना तो पहले कभी याद ही नहीं आता नसीर भाई भी है कोई दुनिया में, बस सलाम दुआ के अलावा नसीर भाई दुआ कर दें, और अब कॉल पे बात करेंगे तो सिर्फ नसीर भाई से करेंगे, अल्लाह अकबर तौबा मतलब ही लोग। नहीं नहीं अभी ऐसा नहीं है, आपको मेरी मेरा तो पता ही है आपको। नहीं मुझे नहीं पता भाई, मैं तो कौन सा जानती हूँ। अच्छा नहीं जानती, अच्छा फिर आपने ये किसको भाई बनाया था? हाँ वैसे जानती हूँ ना, वैसे तो नहीं जानती ना भाई, तुम्हारी आदत और अतवार तो नहीं जानती ना मैं। देख ले काफी, मैं साल में काफी महीनों बाद मेरी पहली कॉल लगी है। हैं चलो मुबारक हो, तुम्हें मिठाई बांट देना फिर आज जाके। जवाब तो मैंने दे ही दिया है। हाँ और यही मेरी ख्वाहिश है कि जी एक बार उनसे मिली ना बातचीत हो जाए या मुलाकात हो जाए। हाँ वो तो कोई मसला ही नहीं है ना। जी बस उनका पता चल जाए कि रहते का है, तो मैं चाहे कुछ भी कर लूँ पहुंच जाऊंगा। हाँ, बस सही है, गूगल मैप पे जाके सर्च करो ना, लिखना नसीर भाई, गूगल मैप पे जाके लिखना नसीर भाई का घर बता दो। कहते हैं ना अच्छे लोगों की तो सोबत में बैठना चाहिए, बिल्कुल फायदा ही होता है बिल्कुल, और वैसे ही उनकी माशाल्लाह से बातें बहुत अच्छी होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और सबको इंतजार होता है कि वो आए शो में बात करें, ठीक है कुछ तो सीखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और आप ही मतलब इतना मासूम प्यारा सा तो सिंगर है, लोगों को पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता। कोई बात नहीं, हर इंसान की अपनी पसंद होती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर किसी को नहीं पसंद है तो। बहुत सारे सिंगर्स मुझे भी पसंद नहीं है। आप आतिफ को शामिल कर लेती ना, मैं सोचता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट प्ले हो गई। चलो जबरदस्त हो गया फिर, ये तो ठीक है। आप ही और लिसनर्स भी इंतजार कर रहे होंगे कॉल का, बस ये है कि सबसे दुआओं की रिक्वेस्ट है मेरी अम्मी के लिए, मामू के लिए भी जरूर, और जिनके भी वाले आए थे उनके लिए मेरी देर सारी दुआ। चले जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अली, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, अल्लाह आपको खुश रखे और सलामत रखे। हाफिज हाफिज। साथ साथ कॉल्स को मैं शामिल करती रहूंगी, और अब्दुल रजाक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ शायद कुरैशी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर एंड स्वीट, आप ही शो में वेलकम, सलाम टू ऑल, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। चलिए एक मजीद कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शुक्र है, आप कैसी हो? अदीला है ये, अदीला तुम्हारा गला बैठ गया है लड़की आज? हाँ जुकाम लगा है। कैसी हो? ठीक हो? मैं एकदम प्यारी सी। और टॉपिक? टॉपिक भी एकदम प्यारा सा। सुना तुमने टॉपिक? जी टॉपिक सुना, मैं अलादीन के जिन से कहूंगी मेरे माँ बाप को बोले मुझे पढ़ाई पे छोड़े। हाँ पढ़ाई पे छोड़े यानी कि आपको पढ़ने दें? जी मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। पता है तुम कोशिश करोगी ना, तुम्हारी दिली ख्वाहिश है ना, और तुम दिल से चाहती हो, नियत भी तुम्हारी साफ है, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करोगी। मैंने मदरसा तो पढ़ा है। हाँ खाली स्कूल की ख्वाहिश है तो उसके भी बहुत सारे तरीके, तुम ट्यूशन भी ले सकती हो, अगर घर वाले एतराज़ करते हैं ना कि स्कूल ना जाओ, तो आसपास कोई देखो, कोई ट्यूशन पढ़ाने वालियाँ होती हैं ना, जो बाजियाँ होती हैं पढ़ाती हैं ट्यूशन घरों में, तो तुम उनसे जाके पढ़ सकती हो। और बताएं आप कैसी हो? मैं जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। वालेकुम अस्सलाम। और बस कुछ नहीं। चलो ठीक है जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अदीला, हम दुआ करते हैं कि आपकी जो तालीम हासिल करने की ख्वाहिश अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द पूरा करवा दे। चलें बहुत शुक्रिया, खुश रहिए सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। लाइक वो इतना ज़्यादा जो है वो उसको शौक है पढ़ने का, समझ नहीं आता कि पेरेंट्स क्यों ऐसा करते हैं, क्यों अपनी सोच को नहीं बदलते। 2021 है ये, और अगर सोच अभी तक वही है यू नो कि जब पाकिस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले की सोचें ये हुआ करती थी ना, जब ब्रिटिशर जो थे बरसगीर पर काबिज़ थे, तब अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था या उनके स्कूल में नहीं भेजा जाता था, बहुत सारी चीज़ें थी। खैर इस हिस्ट्री पे तो हम नहीं जाएंगे वरना बहुत ही लंबी दास्तान हो जाएगी। तो चलें जी कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल है हारून अंकल? अल्लाह का करम है, मालिक का बड़ा करम है, शुक्र है उस पर, जी बोल
दिन तो मैं गैर हाजिर रहा, एक दिन तो आपकी नसीहत बंद थी और कल मैं जरा महसूस था। जी जी, तो आज का जो टॉपिक आपने बड़ा जबरदस्त रखा हुआ है जी। तो मेरे पास तो अल्लाह जी का करार जब आएगा ना, तो जिनको मैं यही बोलूंगा कि हाथ मेरे पास आ जाओ और ये हाथ में पकड़ो मौला बख्श। हाँ, फिर मौला बख्श उसको कहते हैं डंडे को। हाँ, मैं समझ गई। इतनी तो समझदार हूँ मैं। तो इसके माशरे में जितनी भी बुराइयां हैं, हाँ, ये मौला बख्श लेके और शुरू हो जाओ, जितनी बुराइयां हैं ये सब खत्म कर, सही अच्छाई पैदा करो, लोगों में अच्छाई पैदा करो। लेकिन मसला सारा यही तो है ना कि डंडे के जोर पे बुराई खत्म नहीं होती ना, तो अच्छाई पैदा हो सकती है डंडे के जोर पे। वो बात तो खैर अपनी जगह पर है, बंदा कितनी भी कोशिश कर ले, जो जितने करना है वो तो वैसे भी करना है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि आपने काल की भी बात की, तो काल की मैं ये बात करूंगा कि जिन जिन के वालदैन हयात हैं दुनिया में हैं और वो बच्चे बैरून मुल्क काम कर रहे हैं, तो वो अपने वालदैन को काल करें, उनसे बात करें, उससे ज्यादा उनके रिश्ते में और कोई भी नहीं है। अब हमारे तो वालदैन है नहीं जी, तो एक बड़ी अमशीरा है हमारी गांव में जी, तो मैं उनसे बात करता रहता हूँ, या फिर किसी के कोई रिश्तेदार हैं बुजुर्ग हैं तो उनसे बात करें। अभी बहुत लोगों ने मैसेज भेजा है कि कुछ वाइफ है या कुछ और भी है, ठीक है वो अपनी जगह पर है, लेकिन बुजुर्गों का ख्याल रखना और बुजुर्गों से अच्छी बातें सीखें, अच्छा अखलाक सीखें, यही चीज होती है बुजुर्गों से सीखने। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो वालदैन होते हैं ये तो घर का एक समझ लो कि सरमाया है, घर की छत है बेशक, और जिनके पास ये नहीं है तो उनसे पूछो कि उनके दिलों पे क्या गुजर रही है। हमारे पास नहीं है ना, ये हमारे को पता है कि वालदेन की क्या इज्जत होती है और क्या कमी महसूस होती है सारी जिंदगी, इसका कोई नेमो बदल नहीं है। दुनिया के सारे रिश्ते मिल जाते हैं लेकिन माँ बाप का रिश्ता। बेशक, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मेरी नसीर भाई से मेरी बात हो चुकी है, अल्लाह उनको खुश रखे जाती तौर पर जी, आमीन। मेरी वो बस नंबर किसी तरीके से मैंने उनको पहुंचा दिया, बस मेरी बात हो चुकी है और वो मेरे पास आएंगे, मेरी मुलाकात इंशाल्लाह ताला जी, इंशाल्लाह। और जिस दिन भी उनको मौका लगेगा, टाइम मिलेगा, या मैं जाऊंगा या वो आएंगे मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे जितने भी बीमार हैं, मेरी बहनें हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आमीन, और अल्लाह उनको सबको ढेरों खुशियां नसीब करें और अल्लाह ताला सब परेशानियों से उनको अल्लाह ताला बचाए, आमीन सो आमीन। और मेरे केमाड़ी वाले वो काशिफ है ना जी, मिट्टू, उनके पीछे तो मैं हाथ धो के साबुन से पड़ा हुआ क्योंकि यहाँ तो वो मैसेज भेजते हैं और व्हाट्सएप पे परसों रात 9:40 पे उन्होंने कॉल की। हाँ, नहीं यहाँ पे भी कॉल ही करते हैं, मैसेज नहीं करते। कल रात वो 10:25 पे उन्होंने कॉल की, तो मेरा बच्चा तुम जिस चैनल पे भी जाओगे, हाँ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ, तुम आ गया हारून भाई की नजरें है ना। हाँ, बस अल्लाह करम करे, अल्लाह ताला खैर रखे। और मेरे एहसान रजा साहब हैं जी, और मेरे अजीज भाई हैं, नसीर भाई हैं, मेरी बच्चियां हैं, जितनी भी मेरी बच्चियां जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सऊदीया वाले, इटली वाले, हाँ, सब तो अल्लाह ताला खुश रखे और सबके जो जायज अरमान है अल्लाह ताला पूरे करे, आमीन सो आमीन। और अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और आपको भी इसी तरह हिम्मत दे अल्लाह के, इसी तरह अच्छे प्रोग्राम करे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। हाफिज। सो चलें जी, कुछ कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं, साथ साथ कॉल्स को भी मैं शामिल करती रहूंगी। और काशिफ अली मलिक कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपकी सुबह देर से होती है। नहीं, मेरी सुबह देर से नहीं होती।
मेरी सुबह तो बहुत जल्दी हो जाती है. सो साथ साथ क्योंकि घर से बाहर निकलना नहीं होता ना सुबह सुबह, घर में पता नहीं चलता. जब घर से बाहर निकलते तो धूप निकली भी होती है, क्या करें. राशिद सुलेमान कहते हैं, और यही सवाल बार बार आता है कि कैसे, क्यों, क्या चीज. मोहम्मद अली कहते हैं कि अभी ये इश्क का नहीं, नजला जुकाम और खांसी बुखार है मौसम है. खांसी बुखार का मौसम है. बुखार का, बुखार क्या होता है. साथ साथ राशिद सलमान कहते हैं, शायद याद होगा कि मैंने आपको पुराना सुनाने वाले नहीं हूँ, इसलिए आप मेरी नहीं सुनती हैं. पुराना सुनने वाला नहीं, ये किसने कहा. ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, मेरे लिए तमाम लिसनर्स बराबर हैं, ऐसा कुछ नहीं है. सो उस्मान मंगी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरहाना, कैसी हो, रोज की तरह प्यारी और अच्छी है ना. बिल्कुल जी, ऐसे ही है. वालेकुम अस्सलाम. साथ साथ कहते हैं, आपको पता है कि गाड़ी चलाते हुए मैं आपका शो सुनता हूँ और आपके और आपको कमेंट्स भी करता हूँ. क्या बात है मेरे भाई. लेकिन पता है, गाड़ी चलाते हुए कमेंट्स ना किया करें, अगर कमेंट्स करने तो गाड़ी साइड में रोक दिया करें पहले. खुदा को खौफ करो लड़के. और साथ साथ नज़ीर अहमद महर कहते हैं कि अलादीन का चिराग से जो जिन आएगा मैं उससे कहूँगा कि मुझे पेट्रोल का कुआं खोद के दो. पेट्रोल सबको फिर दूंगा. अरे वाह क्या बात है. अलीपुर से हमें सुनते हैं, बहुत शुक्रिया. हुमा आ गई है, क्या हाल है हुमा. कहती है अभी मैं अपनी आबी को कॉल करूँगी, क्योंकि मेरी जब पंजाब में मेरी अभी पंजाब में है और 2 साल के बाद आती हैं. और उज़्मा भी, आई मिस यू. अच्छा, अपनी बहन को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं. चलें जी, आप चले जाया करें कभी, अगर वो नहीं आ पाती हैं तो. राशिद सुलेमान कहते हैं, और ये कोई आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल है और इतनी मुश्किल से गुजरते हैं. और आपसे फरमाइश करते हैं कि वो भी आप पूरी नहीं करती हैं. ऐसा क्यों, कौन सी फरमाइश की थी आपने जो मैंने पूरी नहीं की. गाना गाने की फरमाइश. ओ हो, बस इतनी सी बात, इतनी सी बात के लिए आप जो इतना परेशान हो रहे हैं. गाने तो मैं वैसे ही गा लेती हूँ. कौन सा गाना था वो मुझे याद ही नहीं. लंबी जुदाई गाता आपने तो. चले पहले कॉलर को शामिल करते, फिर मैं गाना गाती हूँ, ठीक है. देखते हैं कौन है मेरे साथ लाइन पर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कहाँ हो लड़की, कैसी हो. ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपसे बहुत नाराज. क्यों नाराज हो भाई, हम तो तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम नाराज हो हमसे. नहीं, मुझे आपने बिल्कुल भी याद नहीं किया. सुन रही हूं. बस कर दो, तो सुन रही होती तो पता होता याद कर रही हूँ. मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताइए, आप कैसी हैं. ठीक हैं, खैरियत से हैं. हाँ, मैंने आपको कहा था मेरे लिए दुआ करना, लेकिन आपने मेरे लिए दुआ भी नहीं की. ये आपको कैसे पता कि मैंने आपके लिए दुआ नहीं की. मुझे पता है ना, इसलिए. नहीं, आपको नहीं पता ना. पता है ना. अरे नहीं, ऐसा नहीं होता. अभी अभी मैंने SMS भेजा, मैंने बोला SMS को दिल में पढ़ना, लेकिन आपने नहीं पढ़ा. SMS मुझे नहीं मिला ना, फिर मुझे कॉल करनी पड़ी. मुझे SMS मिला ही नहीं आपका. मैं आपको कॉल नहीं करती, मुझे आपसे कोई अच्छी नहीं लगती ना. अभी आपको शो अच्छा लगता. अच्छा, ठीक है, सही जा रही लड़की है. नहीं, मुझे ऐसे मस्त मिला. अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आप फिर भी बहुत अच्छी लगती हैं. नहीं. चलो देखो, है ना. पिछले हफ्ते पूरी भी आपने मेरी कॉल नहीं ली और आज भी आपने मेरी कॉल, शुक्र है, उठा ली. नहीं नहीं, बोल दो आज भी आपने मेरी कॉल नहीं ली. यही बोलो कि अभी तो किसी और की कॉल ली, वो कोई जने चिराग में से निकला था अलादीन की, उसकी कॉल ली है मैंने. नहीं नहीं, दरअसल मेरी कॉल थी नहीं तो आप कैसे. तो फिर लड़की होशियारी कर दियो. नहीं, अभी जैसे ही मैंने कॉल मिलाई तेरी बेल के, आपने कहा चलो कॉल को शामिल करते, मैंने कहा शुक्र है यार. देखो कितनी अच्छी हूँ ना मैं. हाँ नहीं, माशाल्लाह अच्छी हो ना आप. देखो मैंने फौरन उठा ली, जबकि मुझे पता नहीं था कि कॉल किसकी है. मैंने फौरन से उठा ली, मैंने कहा चलो पहले कॉल पे बात कर लेते हैं. जी, आपकी बड़ी मेहरबानी. अरे नहीं, हमारी क्या मेहरबानी. मामू जान को मेरा बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरी बहुत सारी दुआएं. नसीर अंकल से मैं यही कहूंगी कि मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखना. बिल्कुल, भी आपको याद ही कर रहे थे वो कल भी. अच्छा, चलो मैं भी उनके लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ और आपके लिए भी, मेरा अतिथि भी, काशिफ भाई के लिए भी और यासिर भाई के लिए भी, सबके लिए. चलें, जबरदस्त हो गया. जज़ाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया. अभी आपने प्ले किया ना, वो बहुत ही प्यारा और मेरा मन पसंद था. नबील का ना. हाँ
जी बहुत ही प्यारा लगते हैं मुझे, है ना। हाँ देखो क्या जबरदस्त सॉन्ग मैंने प्ले किया था, और ना मुझे बहुत अच्छा लगा था। और आप कैसी हो, ठीक हो, शो भी आपका मैं जबरदस्त, और आपकी खुद भी बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया, आपके साथ मजाक चलता है। नहीं मैं समझती हूँ आपके मजाक को, मैं कभी बुरा नहीं मानती किसी भी बात का। कोई आके मुझे कह भी दे ना मुझे अच्छी नहीं लगती, वो अगर सीरियस भी होगा तब भी बुरा नहीं मानूंगी मैं। आप तो मुझे पता है, आपका तो पता है ना जी। हाँ शुक्र है मेरा पता है। हाँ हाँ तुम्हारा पता, तुम लड़की हो ना शायद तुम्हारा पता है। नहीं वो सही है। अच्छा हाँ वो आती हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रही हैं, आ जाए। हम मैं तो यही कह रही हूँ, उनकी तरफ से जज़ाकअल्लाह। हाँ बिल्कुल, हंसने वाले लोग बहुत प्यारे होते हैं, जो हंसते रहते हैं, जो हर वक्त मुंह लटका के बैठे रहते हैं ना, वो तो बस अजीब ही होते हैं वो। जिनको हमारा अली भाई है ना। नहीं नहीं अली नहीं है, अली तो हंसता है। नहीं हंसता है लेकिन कभी कभार मुंह लटका देता है। मुंह लटकाता नहीं, वो रोता ज्यादा है। जी जी। हाँ चलो खैर है, कोई नहीं, सारे लोगों में वही मुझे याद आया, नाराज ना हो जाए। नहीं वो कहते हैं देखो हर इंसान की एक अनोखी बात होती, तो अली की अनोखी बात है, चाहे वो ऐसे याद रह गया लेकिन याद तो रह गया ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पे तो याद किया ना। और क्या, याद तो किया ना। और इसके अलावा चलो और कुछ कहना है? अलावा यही कहना है कि बस आपने मुझे, मेरे से बात कर ली, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और दुआ में मुझे लाजमी याद रखना, इस काम तो मैंने आपको बोला है ना। बिल्कुल तो मुझे याद है, जरूर करना, मुझे याद है, मैं आपको दुआ में याद रखूंगी। ठीक है किरण, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज। सो चलें जी एक मजीद कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फूलदेव साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम है। वैसे आपकी कॉल मिलाना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल हो गया है, चलें क्या करें, आप चार पांच फोन ले लें, सब उस पर कॉल मिलाते रहेंगे, लेकिन मैं अपनी मर्जी से चुनूंगी कौन सी कॉल उठानी है। और दूसरी बात, नशरियात नहीं आ रही है। क्या नशरियात नहीं आ रही है? कौन से इलाके में? कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, ये तो इतना करीब है, यहाँ पे क्यों नशरियात नहीं आ रही है? बाकी सब जगह तो जा रही है। चले मैं अभी मैं चेक करती हूँ, और मैं जरा इन्फॉर्म भी कर देती हूँ अपने आई टी मेम्बर्स को। जी अभी मैं इधर करीब था, तो मैं काफी देर से सुन रहा हूँ, लेकिन ये कि कभी नशियात हल्की फुल्की क्या हुआ कि टॉपिक पे बंदा बात नहीं कर सकता, पता नहीं चलता कि टॉपिक क्या। आप सुबह से बातें कर रही हैं, जब मैसेज पढ़ रही तब तक सही था, जब से आपने कॉल रिसीव करना शुरू की ना तब से नशियात थोड़ी खराब। ये जो ना अलादीन का चिराग निकल के आ गया, जिन निकल के आ गया चिराग में से। क्या कहेंगे? बाकी मैं ये कहूंगा कि कल नसीरुद्दीन शाह साहब जो है ना, वो कह रहे थे ना कि वो किरण कॉल नहीं करती और वो रात में नहीं रहती। अपनी किरण बेटी को तो याद रखते हैं, लेकिन किसी याद नहीं करते कभी भी। आपको याद नहीं करते? आप आते रहेंगे ना रेगुलर, तो उनको नाम याद हो जाएगा। नहीं मैं वैसे तो आता हूँ, ये कि आता हूँ एक महीने बाद, सवा महीने बाद आता हूँ, लेकिन आता हूँ। और कॉल तो मतलब ये कि आपका नशियात जितने भी है वो सुन रहा होता हूँ। जी जी, तो असल चीज सुनना है, बिल्कुल कॉल करना जरूरी नहीं है। आज कॉल करना चाह रहा था, तो मैं देख रहा हूँ कॉल इतनी मुश्किल चलेगी, तो यार करनी बात जरूर है आज। चलें देखें, वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। बेशक, तो बताया हमारे नसीरुद्दीन शाह साहब जो है ना, उनकी मिसाल ऐसे जैसे खुशबू की दुकान होती है ना। हाँ। तो वहाँ तरह तरह की खुशबुएं होती हैं, कोई कौन सी पसंद करता है, कोई कौन सी पसंद करता है। हाँ। तो मैं अपने लिहाज से ही समझता हूँ, मैं एक फूल हूँ मगर वो भी अभी मुरझाया हुआ। हाँ। और उनकी मिसाल ऐसे जैसे खुशबू की दुकान, उनमें हर तरह की खुशबू मिलती है। अरे वाह क्या तो बात। वो अगर है? वो अगर हम जैसे फूल को वहाँ रखें, शायद उनकी खुशबू में से कुछ खुशबू हमें मिल जाए। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो आपके तमाम सुनने वाले बहुत अच्छे हैं, और अगर आपसे चलाती नहीं है लेकिन मैं फिर भी करना चाह रहा हूँ। जी कौन सा सॉन्ग है? सजाद अली का एक सॉन्ग है, रावी। रावी चले मैं जाते जाते प्ले कर दूंगी। ठीक है चले ठीक है, तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से डेडिकेट कर दीजिएगा। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।
तो चलें जी कॉल्स को जरा सा ब्रेक देते हैं और कुछ कमेंट्स को भी शामिल करते हैं। राशिद सुलेमान कहते हैं कि आपको याद नहीं होगा कि मंगल को मैंने आपसे एक फरमाइश की थी, बिल्कुल जी गाने की फरमाइश आपने की थी, तो गाना हम गा देते हैं, ऐसी क्या बात है। कौन सा गाना था? अब गाना भी तो एक कौन सा गाना मोहम्मद फराज कहते हैं हाँ तौबा तौबा हद है, नसीर भाई तो मेरे दिल में रहते हैं ऑलरेडी, वो तारीफ करें या ना करें, हाँ हाँ मुझे सब पता है, पहले तो कभी नहीं बोला तुमने है फराज होशियार। और मोहम्मद फराज कहते हैं अली कौन सी दवा पी ली है आज, उसका नाम बता दो, शहजादे को भी पिलानी है उस दवा का नाम है मत बताना सही है। सो साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। चलो मैंने गा लिया फाइनली, मूड नहीं था मेरा ये वाला गाना गाने का, अचानक से आया जहन में तो गा लिया। चलें जी मजीद एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद टूट जाता है, तुम भी कहने को चाहते भले की जानिब सलाम, मुझे तोता कहने वाले कौन है? वालेकुम अस्सलाम, मैं हूँ, क्या करोगे तुम है? मिट्टू हो तुम, मिट्टू हो तुम हमारे, पता क्या मेरे अरे पर है ना, तो मेरी नाक मुड़ी हुई है, ना मेरी छोटी छोटी आंखें हैं, और ना मैं दम है। तो क्या हो गया उसके लिए सब होना जरूरी थोड़ी है? तुम मिट्ठू की तरह बातें करते हो ना, प्यारी प्यारी स्वीट स्वीट, हाँ तो मिट्ठू की भी दो आंखें होती हैं, दो कान ही होते हैं उसकी भी, लेकिन वो दूसरे की बात पे अमल दरामद करता है ना, वो तो सिर्फ कह कह करता है, बाकी सिखाने वाले आप है। वैसे मैं आपसे सीखता हूँ, ये बात तो है ना, ये बात तो है, आपसे भी सीखता हूँ, सेठ भाई भी है, अरुण अंकल भी, तो बस तुम हमारे मिट्ठू हो। मूंगफली का नाम तुम्हारा पता है इसलिए रखा, पीनट बटर बनाने का सोच रहे हैं वो। सुनाओ दो मशवरा दो। आबिद भाई बोले कोई किताब लिखो ना, मैंने सोचा कोई बिरयानी पे किताब लिख लेता हूँ, सिर्फ आपसे ये पूछने के बात में तस्वीर कैसी बनानी है, सीने की तस्वीर बनानी है, लेग पीस हो गया मुर्गी का, बहुत ना वो बना लूंगा और लंबे लंबे चावल बना लूंगा, बाकी उस पे लिखने का काम आप कर लेंगे, ये मंजूर है? नहीं अभी वो आएंगे तो बताएंगे ना मंजूर ना मंजूर नहीं, बात में आप ही आधा था काम बांट लेते, मैं तो फिर से मिलूंगा, आप मिठाई कर लेना। तो भाई तुम कितना तुम लोग काम चोर, आधा था काम बांट ले है, इतना सा काम दिया तुम्हें वो भी आधा था बांट ले है, अगर आधा काम बांट लेंगे तो तुम क्या करोगे? काम तो अच्छा होता है ना। हाँ बेटा होशियारियाँ, मुझे लगता है मेरा बैलेंस खत्म होता है, अरुण की आवाज शुरू हो गई है। अच्छा चलो सही है, सलाम अरुण अंकल आए थे तो उनसे बहुत लेकिन मैं शेयर कहने वाले, लेकिन बैलेंस खत्म होने वाला है। और आपकी एक गाने की फरमाइश है? हाँ बता दो। डायमंड रिंग है अब्राल लाख का, बहुत ही अच्छा गाना है डायमंड रिंग। चलो मैं अब्राल लाख के गाने बताया करो, तुम लोग नहीं चलाती ना, मैं फिर अब्राल लाख के गाने बताते आगे। चलो देखते कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? ड्रीम वर्ल्ड से रसूल बुरफत। अच्छा जी, क्या साहब क्या हाल है बुरफत साहब, ठीक है आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का मेहरबानी, बिल्कुल बहुत कोशिश के बाद नंबर आपका लगा है, फाइनली चले। इधर रश भी बहुत था, मैंने बोला चलो ट्राई करता रहूं, शायद लग जाए। चलें जबरदस्त हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूं मेरे भाई। जी 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 जी, क्या कहेंगे आप, बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ। आपने वो डीए का बात किया था तो उसके लिए मैं कहूँगा कि अगर मेरे पास ये डीए जिन आता था मैं इसको बोलता था पहले तो मुझे खजाना दे दो, खजाना दे दो, ठीक है फिर। जी जी, तो उसके बाद मैं उसको कहूँगा कि मेरा दोस्त जो नारा था उसको मेरे से मिला दे, ठीक है जबरदस्त हो गया। और बाकी सबको नसीर भाई को, बाकी दोस्तों को सबको सलाम, बहनों को भी सलाम मेरे तरफ से। चलें जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे, हाफिज। खजाना दे दो हमें
चलें जी देखते हैं कौन हमारे साथ मजाक कर रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बाजी फरहान अली, क्या हाल है? मेरे हाल एकदम जबरदस्त हैं, आप बताइए कैसे हैं खान बाबा? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, घर में अम्मी अब्बू बहन भाई छोटे बड़े सब खैर खैरियत से। अल्लाह का शुक्र है सब खैर खैरियत से हैं माशाल्लाह से, आप तमाम लोगों की दुआएं भी हैं साथ साथ। मैं तो एक छोटी सी बात कहूँगा जी प्लीज, एक जो तबलीगी जमात में अक्सर हम लोगों को कही जाती है जी के खुशबू के दुकान पे जाए, हाँ। खुशबू आप ले या ना ले तो महक आपको महसूस होगी। सही। कोयले की दुकान पे जाए, कोयला आप ले या ना ले, कालक जो है ना दामन पे लगेगी। तो नसीर साहब हो गए, सम रजा साहब हो गए, अरुण साहब हो गए, और ये जो हमारी छोटी सी बेटिया भी आई थी तो दुआओं का तस्किरा कर रही थी जी। तो मैं अपनी छोटी सी बेटिया को ये कहूंगा कि कोई भी आपको दुआ देता है तो अब आपका पर्सनल नंबर तो किसी के पास है नहीं, ना आपका घर का एड्रेस है जो आके आपको फेस टू फेस दुआ दे। हर बंदा दिल में दुआ देता है। बिल्कुल। अरे आप उसकी बात को सीरियस नहीं ले, वो ऐसी मजाक कर रही थी। हाँ, वो मजाक करती लड़की। हाँ, हमारे जेडीयू एफएम की जो चैनल में जितनी भी लोग है, हम लोग समझो कि एक मुझे तो जेडीयू एफएम के प्रोग्राम अपने फैमिली के साथ बैठ के सुनने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है जो बंदे को बुरी लगे। बिल्कुल। कोई भी हमारा ऐसा लिस्टर नहीं है जो या कौम परस्ती पे या बदलेजी पे या बद इखलाकी पे बात करे। बिल्कुल। और हमारे नसीर साहब तो जब भी आते हैं ना, वो खुशबू नचावर करके ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसम रजा साहब की जो गुफ्तगू होती है ना, बंदा बोलता है कहने अपने साथ बिठा के और चाय बनवा के बस ये बातें करते रहे। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। बिल्कुल। मेरी तरफ से सब को दुआ सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से ढेर सारी दुआओं के साथ सलाम। जज़ाकअल्लाह। और हमारी जो छोटी बेटियां है ना, इनसे कहो के इंशाल्लाह आपके लिए हम दो रकात नफल पढ़ के आपको दुआ देंगे। क्या बात, जबरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाई, क्या बात है। अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद पलारी कहते हैं कि नाइस हाय, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि मैं जिनसे ये काम करवाऊंगा कि जो मुआशरे के अंदर ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करें, मैं ख़ुद भी इसी में ही लगा रहता हूं और अपने रब का शुक्र गुजार हूं कि जो मुझसे अपने बंदों के लिए मुझे अपने बंदों के लिए चुनता है। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ अच्छा जी, आप इधर कहते हैं फरहाना आज छोटी वाली, और कमेंट जो है वो स्क्रॉल हो गया, आप अपनी बेटी की कोई बात बता रहे थे। राना इमरान राजपूत कहते हैं आज सबा राजपूत लगता है कि सो रही है, नहीं वो सुन रही होंगी, असल में उनके पास जरा काम जो है ना ज्यादा होता है तो बच्ची मसरूफ है हमारी। देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन हमारे साथ? गुस्सा छोड़ के है। गुस्सा छोड़ दें। ये जरूर वो चौहान भाई होंगे। क्या नाम है भाई, कौन से चौहान है आप? मुझे याद तो आ रहा नाम। इमरान चौहान, इमरान क्या, इमरान नासिर चौहान आई गेस, यही नाम है। वाह फरहाना वाह, क्या मेमोरी है फरहाना। मेमोरी तो बहुत तेज है आपकी। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, आपके दो सवाल आते हैं जी, एक अलादीन का चिराग और एक फर्स्ट कॉल, किसको करनी फर्स्ट और लास्ट? फर्स्ट नहीं, वो हाँ सारी जिंदगी बस एक ही कॉल करनी है, एक बंदे को ही कॉल करनी है। बंदी नहीं कर सकता? बंदी हो बंदा हो आपकी मर्जी है। अच्छा देखें, पहली तो जो आपकी है ना अलादीन वाली, उसके लिए तो ये, अगर अल्लाह करे पहली बात तो मिलना नहीं, अगर मिल गया ना अलादीन का चिराग तो उससे एक ही रिक्वेस्ट होगी, मेरे भाई इस हुकूमत से जान छुड़वा दे। देखें आप लोग है ना जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, सो घबराना नहीं है, कहते तो हैं वो घबराना नहीं है। हाँ घबराना नहीं, असल में ना हमारी कौम का मसला ये है कि हमारी कौम है जल्दबाज, सो जो 70 साल से चीज़ें बिगड़ी हुई होती हैं वो 1-2 साल में ठीक नहीं होती हैं, उनको बहुत टाइम चाहिए होता है ठीक होने के लिए। सही है। सो ये जो हमारी आवाम है ना वो कहते हैं भाई 6 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान एकदम अमेरिका बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। पॉलिटिक्स की हम बात नहीं करते,
डॉलर चलेंगे और महंगाई से दुगनी। नहीं, पॉलिटिक्स की हम वैसे बात नहीं करते, लेकिन एक बात है ये कि हमारी आवाम ये चाहती है कि उनको वाकई में कोई जिन मिल जाए और चुटकियों में सारा पाकिस्तान जो है ना ठीक हो जाए, सारे पाकिस्तान के मामला ठीक हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मामला जो इतने सालों से 70-75 सालों से खराब चले आ रहे हैं, सो उनका जो बेड़ा गर्क हो गया है, तो वो इतनी जल्दी तो ठीक नहीं हो सकते ना। देखिए मेरी बहन, हमारी तो इतनी उम्र भी नहीं है। आपकी इतनी उम्र नहीं है तो क्या हो गया भाई, तजुर्बा इंसान को जो है ना उम्र से ज्यादा होना चाहिए। चलो ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। सही क्लास ले लेती हूँ मैं। हाँ, और आगे? नहीं, क्लास क्या, आप पूरा लेक्चर ही दे रही थी। तो वो लेक्चर ही तो क्लास होती है, क्लास में लेक्चर ही तो होता है, और क्या होता है। और बस एक ही ख्वाहिश करनी थी जिनकी। अच्छा, एक ही ख्वाहिश करनी थी, उसके बाद तमन्ना नहीं रहेगी ना, क्योंकि उस लेक्चर के बाद कहाँ तमन्ना करेंगे आप। अच्छा ठीक है, नहीं मजाक कर रही हूँ। तो ये कोई लेक्चर थोड़ी होता, बंदा हंस के डाल देता है। हाँ, सही बात है, बहने चीज ही ऐसी होती है। सही बात है। और दूसरी कॉल अगर करनी पड़ जाए ना, फर्स्ट और लास्ट कॉल, हाँ, हमेशा के लिए एक ही बंदी को या एक बंदी को कॉल करनी है, कोई भी हो, हाँ, तो वो होगी आयशा सिगरेट। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम ये नहीं पूछेंगे कि वो कौन है। नहीं, वो तो पूरा पाकिस्तान जानता कौन है। अच्छा, सही है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी प्लीज। कि अभी मेरी बड़ी प्यारी सी पतली दुबली सी बहन आने वाली है। अच्छा, आप आपके पास। हाँ, उसको मेरा सलाम जरूर देना है आप। जरूर, बिल्कुल। और आपको भी बहुत बहुत सलाम, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। सेंचुरी के बाद मेरी कॉल लगी है। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला ने कामयाब कर दिया कि आपकी कॉल मिल गई आपकी। हाँ, और गुस्सा वुस्सा नहीं करना है। मैं गुस्सा करती नहीं भाई, चल बॉडी। अच्छा, चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे भाई, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आप खुश रहिए और सलामत रहिए। हाय, चलें जी, कमेंट्स को मैं साथ साथ शामिल कर लेती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स मौजूद हैं, और आप लोगों की कमेंट्स और कॉल्स के लिए हम बात करते रहते हैं, और सारा टाइम बस इसी में चला जाता है। वर्गों की बात करते हैं, नहीं वर्गों की हमने बात कर ली, लिब्रा की बात करते हैं, कॉल्स को ब्रेक दूंगी मैं। और मैंने कहा कॉल को ब्रेक दूंगी, नजीर भाई आ गए। चले जी, नजीर भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला। क्या हाल है मेरे भाई नजीर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अपनी प्यारी सी गुड़िया की दुआएं हैं जी, और अपने लिसनरों की दुआएं हैं। बिल्कुल, कितनी खुशकिस्मती है हमारी। बिल्कुल। तो आज आपने अलादीन के चराग की बात की। जी जी। तो मैं ये कहूंगा कि देखें, ये जिन जो है ना, ये इंसान को नजर नहीं आते। हाँ, सही। लेकिन यहाँ से जब हमारी रुखसती होगी ना जी, तो जन्नत में ये हम इन सब को देखेंगे फिर। बिल्कुल ऐसे ही है, मगर ये हमें नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी मेरा रब का एक इनाम है हमारे मुसलमानों के ऊपर। बिल्कुल। और पूर्जे भगवान साहब को मैं सलूट पेश करता हूँ, जब भी वो आते हैं हमें याद करते हैं जी, अल्लाह ताला उनको बहुत जजाए खैर अता फरमाए जी, आमीन। हम तो इस काबिल नहीं है बेटा कि हमें कोई याद करे जी, ये तो महज अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि हम जैसों को जो है ना वो याद कर लेते हैं जी। तो जैसे हमारी अभी किरण बेटी आई थी जी, अल्लाह उसके जो भी जायज हाजात हैं अपने हैब के खजाने से पूरे फरमाए, आमीन सो आमीन। और जो अलादीन के चिराग की आपने बात की है जी, तो ये जो है ना, ये हर बंदे को मिल सकता है। क्या बात है नसीर भाई, वाह वाह, बस आपने तो बस दिल जीत लिया ना, बस ये बात पॉइंट छेड़ करी, बस चले आप शुरू हो जाएं आप। हर बंदे को ये चिराग मिल सकता है, उसके लिए थोड़े से जो है ना तरीकेकार है, बस अगर उसके मुताबिक हम आ जाएं, हाँ, तो ये सारी चीजें हमारी दादे बन जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला हमें जो है ना उन आमाल पे आने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सो आमीन। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि माल कमाओ, माल में चीजें आएंगी, चीजों में कामयाबी मिलेगी। हाँ।
तो ये गलत यकीन है। बिल्कुल, कामयाबी जो है ना वो तो अल्लाह ताला के हुक्म में है, बेशक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीकों में है ये। बिल्कुल, और जिनको जिनकी जिंदगी में ये तरीके आ गए उनको चिराग नहीं चिराग जितने भी होंगे सब मिल जाएंगे। क्या बात है, बिल्कुल जी। आज लोग समझते हैं कि हुक्मरान कामयाब हैं, दौलत वाले कामयाब हैं, आला ओदो वाले कामयाब हो गए जी, लेकिन कुरान ये कहता है कि कद अफ्लहल मुमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। बेशक बेशक, तो जिसमें ईमान होगा ईमान की हिफाजत करेगा जी, तो अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियां अता फरमाएंगे। आमीन, बिल्कुल जी ऐसे। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी और ईमान पर नसीब फरमाए। आमीन, और अल्लाह ताला आपको बहुत ही जजाए फरमाए। आमीन सुमामीन, जजाक अल्लाह। जिस तरीके से आप प्रोग्राम लेकर आती हैं और संदूक में छुपा हुआ जो टॉपिक लाती हैं, हाँ। तो हम जैसे भी हिल जाते हैं कि ये फरहाना क्या लाई हैं आज। सोचना पड़ता है कि बोलना क्या है। तो फिर सोचते कि हाँ नहीं, हमने तो फला जगह हजरत से ये बात सुनी थी, ये सुनी थी। बिल्कुल, तो ये चीजें सब अल्लाह ताला हमारे कदमों में डाल देंगे। बेशक, सिर्फ हमें अल्लाह के हुक्म तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो चीजें हमारी जिंदगी में आ जाएंगे जी, तो ये सारी चीजें हमारी ताबे बन जाएंगी। ऐसे ही है। आप ये देखें सहाबा कराम की जिंदगी क्या थी। बिल्कुल, उन्होंने एक एक अल्लाह से नाता जोड़ा और बाकी सब से नाता तोड़ा था। बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्लाह ताला ने उन सबको जो है ना उनसे मिला दिया और सारे खजाने केसर और किसरा के खजाने उनके कदमों में आ गए। क्या बात है। उसमें कोई अलादीन का चिराग नहीं था। बिल्कुल, लेकिन चिराग से बढ़कर काम हो गए। बिल्कुल, तो अगर हम उन तरीकों पे आ जाएं तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। इंशाल्लाह, बिल्कुल जी ऐसे ही है। अल्लाह ताला आपको बहुत जजाए खैर दे। जजाक अल्लाह। आपके उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। और जो भी मुश्किल परेशानी है अल्लाह ताला अपने गैब के खजाने से दूर फरमाए। आमीन सुआमीन। किरण बेटी के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, हम करते भी हैं और इंशाल्लाह मजीद भी करेंगे दुआएं। जी, बिल्कुल, क्योंकि हमारी दुआओं पे ना खर्चा होता है और ना पर्चा कटता। बिल्कुल, ये सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करते हैं हम जी। तो हम जिसके लिए दुआ करते हैं तो हमारी दुआएं ऑटोमेटिक जो है ना अल्लाह पाक कबूल फरमा लेते हैं। बिल्कुल जी ऐसे ही, ऐसे ही है। और ऐसी जगह से अल्लाह ताला हमारा इंतजाम फरमा लेते हैं मुश्किल वक्त में कि हमें हमारा जहन भी वहाँ नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आबिद अमीर साहब से भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि भाई बिरयानी के चक्कर से निकल जाओ। बिरयानी की देख से बाहर आओ। हाँ बिल्कुल, बाहर आ जाओ। और अली भाई के लिए और उनके वालदा के लिए तो बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनके वालदा को सेहत अता फरमाए। आमीन सुआमीन। मुकम्मल कामयाबियां अता फरमाए और जो उनके ख्वाहिशात है अल्लाह ताला अपने गैब के खजाने से पूरे फरमाए। आमीन सुआमीन। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। तमाम सुनने वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं जी। तो ये सब महज अल्लाह की रज़ा के लिए है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया नसीर भाई, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। Alright, welcome back after this short BGM break. नहीं, ज़हन कहीं और से लगे थे actually. It's ज़हन, not ज़हन. So
ओके एहतशाम कहते हैं आप ही अभी अभी किसी अंकल ने कहा था कि ना कि जिसकी ज़िंदगी में मामा और पापा नहीं है तो अभी मैं भी उनमें से हूँ कि मेरे पास दादी हैं और उन्होंने मेरा हर हाल में साथ दिया है और कुछ मोहब्बत ZUFM से भी मिल जाती है सो उसे दिल से सलाम इस ज़िंदगी को जिसने मुझे बहुत कम उम्र में बहुत कुछ सिखा दिया है चैलेंज अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए आपको खुश रखे और दादी का ज़रूर ख्याल रखा करें दादियाँ ये जो दादियाँ होती हैं ना माँ बाप के बाद अगर दादियाँ ने ये जो दादियाँ नानियाँ होती हैं आपको संभाल के रखती हैं ना बहुत 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 कीमती रिश्ते होते हैं सो इनको कभी भी नहीं खोना चाहिए नो मैटर वॉट सो कॉल्स को मैं शामिल करूँगी कुछ कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं मदर कहते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी तो ज़बरदस्त है माशाल्लाह शुक्र आज तुमने माशाल्लाह बोला मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर मैं अपने वालिद को कॉल करूँगा और जिनको आज़ाद कर दूँगा और कुछ नहीं करवाऊँगा कि भाई जाओ जो करना है खुद ही कर लो वालेकुम अस्सलाम क्या बात है ज़बरदस्त हो गया चले जी कॉलर को शामिल करते देखते कौन है हमारे साथ लाइन पर अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी कौन है हमारे साथ जी इमरान बात कर रहा हूँ कराची से इमरान आपसे पहली बार बात हो रही है नहीं दूसरी बार हो रही है दूसरी बार हो रही है कैसे आप इमरान मेरे भाई ठीक हैं खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आप सुना ठीक ठाक है मैं जबरदस्त अल्लाह ताला का करम एहसान जी क्या कहेंगे टॉपिक पर सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि नसीर भाई जब भी आते हैं माशाल्लाह शो का मूड चेंज कर देते हैं जी और दूसरी जो बात थी अलादीन के चिराग वाली तो मैं ये कहना चाहूंगा जब मुझे चिराग मिलेगा हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है सबसे पहले मैं उसको अपनी सांस में कन्वर्ट करूंगा ताकि वो रिश्ते के लिए मान जाए उसको अपनी सांस में कन्वर्ट करेगा लड़का ये नहीं बोलेगा जाओ मेरी सांस को मनाओ जाके नहीं ना उनमें जाके एडजस्ट हो जाएगा तो वीडियो बना लेंगे अच्छा ये सही है वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच मेरे भाई खुश रहिए और सलामत रहिए अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ ये सही है चले जी एक मजीद कॉल को शामिल करते देखते कौन है हमारे साथ लाइन पर अस्सलाम वालेकुम जी कौन है हमारे साथ आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है थोड़ा सा लाउड बोलिएगा जी वालेकुम अस्सलाम जी जी आपकी आवाज़ अब आ रही है कैसे हैं आप ठीक हैं खैरियत से हैं नाम बताइएगा अपना जी शाहिद अर्ज कर रहा हूँ शाहिद कैसे हैं आप ठीक हैं जी अल्लाह करम है आपने खैरियत से मैं अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी क्या कहेंगे सबसे पहले तो ये कि मैं आरजे का मतलब पता करूंगा कि आरजे का मतलब क्या होता है आरजे का मतलब होता है रेडियो जॉकी अच्छा रेडियो जॉकी जी लेकिन अगर इसे मैं जो सोच रहा हूँ कि रेडियो के जांबाज कैसा रहेगा रेडियो के जांबाज जी वाह क्या बात है जबरदस्त हाँ और जी अल्हम्दुलिल्लाह करम है वो आपका जो टॉपिक है उसके हवाले से ये कि जो अलादीन की चिराग के हवाले से आप कह रही हैं कि ये कि जो भी है कि उसके लिए ये कहेंगे कि भाई जो भी ऑप्शन मिलेगा हम यही कहेंगे कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो यानी हमारे मुल्क के लिए कोई अच्छा हो तो सबसे पहले हम ये कि कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो हमारे लिए सब कुछ पूरा मुल्क हमारा अच्छा कर दे ऐसा उनसे काज करना चाहेंगे सही है वो जो क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं उनको नहीं बना देंगे ब्राव चलें जी नहीं ज्यादा बात नहीं करते खैर और इसके अलावा किसको कॉल करेंगे जिंदगी भर के लिए जबरदस्त जिंदगी भर के लिए करके चाहिए को कॉल करनी हो तो किसको कॉल करेंगे वो कौन इंसान होगा कॉल के लिए हम अपने घर वालों को ही कॉल करना पसंद करेंगे जो मेरी वाइफ है उनको जबरदस्त हो गया चलें बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच अच्छा लगा आपसे बात करके अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़
सो चलें जी, कॉल्स मैंने बहुत ज्यादा शामिल नहीं कर ली हैं। मैं आपके स्टार्स की बात कर रही थी जब नसीर भाई से मैंने बात की, तो लिब्रा की हम बात करते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ अच्छी खबरें सामने ना ला सकेगा, उसमें आपकी कारोबारी नाकामी और किसी पार्टनरशिप के टूटने की खबर भी शामिल हो सकती है, और इन इत्तलात की वजह से परेशानी जन्म ले सकती है कि जिससे आपका मूड सख्त खराब हो सकता है। उन हालात की वजह से आप में ऐसी कैफियत पैदा हो सकती हैं कि जैसे आप इस दुनिया में तन्हा हैं, आपका कोई गम गुसार नहीं है, या कि सारी दुनिया आपकी मुखालिफ है और दुश्मन बन चुकी है। सो आपको ऐसी तमाम मनफी बातों और ख्यालात को अपने जहन से निकाल कर अपने आराम को यकीनी बनाना होगा कि जब आप पुरसकून हो जाएंगे तो आपकी खुदादाद सलाहियतें इंतहाई बेहतर और मुनासिब अंदाज में काम करना शुरू कर सकेंगी। बात करेंगे हम स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा? आज आप किसी अहम मौके के ज़ाया होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा तिल मिलाहट का शिकार होने के बाद जोशीले और मुतहरिक भी हो सकते हैं, और आपको सख्त गुस्सा भी आ सकता है, ठीक है? और लेकिन याद रखें कि अपना गुस्सा घर वालों पर उतारने की बिल्कुल कोशिश ना करें, बल्कि उसके बजाय संजीदगी और ठंडे दिल से अपनी नाकामी का हकीकी सबब जानने की, असल वजूहात जानने की कोशिश करें। और अपने लाइफ पार्टनर की जानिब से आपको ना सिर्फ मुकम्मल तआवुन हासिल हो जाएगा, बल्कि आपको अमली तौर पर बहुत सारे जो है ना बहुत ज्यादा मुफीद मशवरे भी मिलेंगे, तो आपने उस पर अमल करना। देखते हैं कॉलर हमारे साथ कौन है लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, प्यारी बहन कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे प्यारे भाई नाम बताइएगा। मेरा नाम याया है और मैं काफी बहुत मशहूर कॉलर हूँ टीवी का, रेडियो का भी, लेकिन शायद मुझसे आपसे पहली दफा बात हो रही है। अच्छा। मुझे एक्चुअली एफएम में इसलिए बेहतर लगता है, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि आप पर्सन टू पर्सन, यानी आपकी इंटरेक्शन बड़ी अच्छी होती है लोगों के साथ। बिल्कुल, वन टू वन बात होती है। आप जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको बड़ा अच्छा आपका टाइम पास हो जाता है, और बड़ी मतलब दूसरा आप मतलब मुझे वाइब्रेंट लोग पसंद है, जैसे आप वाइब्रेंट है ना, एक्टिव है, मतलब आप तफरी भी देती है, इंफॉर्मेशन भी देती है, तो वो मजा आता है फिर उसमें। और माशाल्लाह इतनी सिंपलिसिटी मुझे नजर आती है इसके कॉलर्स में आपकी, कि बहुत अच्छी बातें करते हैं और आप लोग बड़ा अच्छा उसको एक्सप्लेन भी करते हैं और सुनते भी हैं, तो ये आपकी खूबी है माशाल्लाह। इसी तरह कहानी बताएंगे। दूसरा ये कि आपको सवाल का जवाब देते पहले, तो अगर मैं फोन अगर करना चाहूंगा तो प्रीफर टू कॉल माई वाइफ और माई सन को सामा, मुझे मेरी है। अच्छा, जीनी के मुताबिक जो मैं कहना चाहूंगा, जीनी देखो इतना मुश्किल क्वेश्चन है ना, इट्स नॉट इजी टू आंसर दिस क्वेश्चन, वो दुनिया की हरती है एक उसमें हासिल कर ले, बस मैं उससे कहूंगा जो मैं चाहे जो मैं चाहूँ वो हो जाए बस। अच्छा, एक दिन के लिए जो मैं चाहूँ हो जाए, तो आप फिर किसी का बुरा भी चाह रहे होंगे अगर कभी, तो फिर कभी ऐसा होता है ना इंसान बदलो लेने की आग में तड़प रहा होता है तो फिर वो भी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बड़ा मतलब नवीन आदमी हूँ मेरी, तो मैं तो सबसे यही कहता हूँ भाई, दर गुजर अफू, दर गुजर सीखे, जिंदगी आसान करें, रूठना छुए रूठना छुए, अपने आप में जीना सीखे, अपने आप से मोहब्बत करना सीखे। जब आप अपने अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो दूसरों से भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपने की ना, देखिये हम तब्दील जो हमें चाहिए, हमें अपनी सोच की तब्दीली चाहिए। अगर मैं अपने घर को सही रखूंगा तो अपने मोहल्ले को भी सही रखूंगा, और इसी तरह हमें अपने आप को मतलब मुझे तो मुझे अपनी कबर का याद देना, अपनी कबर का नहीं देना, एटलीस्ट हमें वो चीज तैयारी करनी चाहिए जो हम इतनी मजहबी बातें करते हैं और जो कुछ करते हैं, जब तक हम लोग उस पे अमल नहीं करते, कहते हैं ना जो अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, तो ये जन्नत और जहन्नम का तसव्वुर सिर्फ नमाज और रोजे से नहीं होता। जब तक मेरी आपसे गुफ्तगू सही ना हो, मेरा मेरे हाथ से मेरे पैर से आप महफूज ना हो, तो फिर वो मुनासिब नहीं रहता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। नाइस टॉकिंग टू यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सो जी, कॉल्स अब हम नहीं लेंगे, एक्चुअली टाइम नहीं बचा है, सो अब हम सिर्फ कमेंट्स को शामिल करते हैं और कॉल्स अब हम कल शामिल करेंगे, ठीक है ना? सो देख लेते हैं कौन कौन यहाँ पे मौजूद है। हुमा कहती हैं आप भी नाइस सॉन्ग, बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद फराज कहते हैं काशिफ बिजली काशिफ अली को कह रहे हैं ना बिजली। ओके, अकबर खान कहते हैं मर्द हजरात की भी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, उनको टीवी का रिमोट ही मिल जाए तो खुद को वजीर आजम समझने लग जाते हैं सही बात है। साथ साथ राशि सलमान कहते हैं थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मलिक फैसल कहते हैं कि फैसल कबीर वाला, अरे कबीर वालों, कबीर वाला वालो, कैसे हो? ठीक है, खैरियत से है। ज़ियाला खान कहते हैं कि नसीरुद्दीन शाह साहब, उनका नाम नसीरुद्दीन शाह साहब है, नई इन्फॉर्मेशन ठीक
ओके कोई बात नहीं, काजी वली वाली कहते हैं बहुत अच्छी और माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती हैं आप। थैंक यू सो मच काशी वाली मलिक, बहुत शुक्रिया तारीफों के लिए। साथ साथ अकबर खान कहते हैं कि नसीरुद्दीन भाई को, एसएम रजा अंकल को मेरा सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ राशिद सुलेमान कहते हैं आप भी सही है, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद अली कहते हैं वाह वाह काशी भाई की तोपे आबिद अमीर भाई की तरफ हैं। अच्छा ठीक है, आबिद अमीर कहते हैं कि पहले बिरयानी खाएंगे फिर उसकी तस्वीर बनाएंगे मेरे मूंगफली। ये सही है, पहले बिरयानी खाएंगे फिर उसकी तस्वीर बनाएंगे, तो खा लेंगे तो तस्वीर कैसे बनाएंगे। और तस्वीर तो फिर आप लोग बिरयानी खा नहीं पाएंगे क्योंकि तस्वीर आप लोग एक दिन में थोड़ी ना बना पाएंगे। मोहम्मद अली कहते हैं अभी सचिन जिस सिंगर का सॉन्ग है ना अली बस कर दो, जेलस हो रहे हो तुम भी है ना मेरे गाने से। बस लोग देखो हीरे की पहचान ना सिर्फ जौहरी ही कर सकता है, तुम वो जौहरी नहीं हो, सही है तो तुम सही है। और साथ ही साथ जर्नल होते कहते हैं लवली लवली शो जी, ओके जी फरहाना जी वाह क्या बात है भी, बहुत शुक्रिया। शाहजेब खान कहते हैं आप ही अम्मी बोल रही हैं, यानी कि हुमा कह रही हैं आप ही अम्मी बोल रही हैं कि अम्मी जिनको हुक्म देंगे कि हुमा से सारे काम करवाओ क्योंकि हुमा काम चोर है। क्या बात है हुमा, तो आंटी को कहना कि एक दिन सारा काम ना उस जिन से ही करवा लें, सही है बेचारी हुमा को थोड़ा सा आराम दे दें, एक दिन और काम चोरी करने दें उसको, ठीक है ना। अगर एक दिन और काम चोरी कर लेगी तो क्या हो जाएगा, जिन सारा काम कर लेगा ना। साथ साथ जर्नल होता कहते हैं कि हेलो एवरीवन हैव अ नाइस डे, बस हमें कुछ पता ही नहीं चलता ना क्या क्या हो जाता है। कुछ नई नई चीज़ें हो जाती हैं अचानक जिसका हमारे फरिश्तों को भी खबर नहीं होता। खबर ही नहीं होती, वो क्या कहते हैं खबर नहीं किस तरफ है आसमां किस तरफ जमीन खबर नहीं। मसूद अहमद साहब कहते हैं अभी आप सब ने साहिल समंदर पे पाकिस्तानी श्रेया घोषाल को सुना, मैंने भी और महसूस हुआ कि सॉन्ग सुनकर बस कर दें पाकिस्तानी श्रेया घोषाल, बेचारी श्रेया घोषाल ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप। हाँ वो मेरी फेवरेट सिंगर जरूर है लेकिन मेरी आवाज उससे कभी भी मैच नहीं करती, बहुत स्वीट आवाज है उनकी। शाहजेब खान यानी कि हुमा कहती हैं आप अम्मी बोल रही हैं, बिल्कुल जी ये मैंने शामिल किया। साथ ही साथ मोहम्मद फराज कहते हैं वाह फरहाना वाह क्या क्लास ली है दिन में। आया ना कॉल पर उस दिन पता चलेगा, जिस दिन मैं आया ना कॉल पर उस दिन पता चलेगा, बस कर दो मैं आया ना कॉल पर उस दिन पता चलेगा तुम्हारी क्लास ना हो जाए बेटा। इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए इंसान, पहले तो इतना कॉन्फिडेंट लाओ, कॉन्फिडेंस इतना लाओ अपने अंदर की कॉल कर सको, बात की बात बाद में करना, तुम क्लास लोगे। अच्छा जोक था। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं आज 12 टाइम्स ट्राई किया था बस और कॉल लग गई। मोहसिन लियाकत कहते हैं आज किसी की खैर नहीं, आज सब की होगी और हो रही है। अच्छा जी मसूद अहमद साहब कहते हैं आज ये सब पता चलेगा कि मेघना मैम पीटीआई वाली नहीं हुई, ऐसा नहीं है। साथ साथ जर्नल कहते हैं फरहाना जी सबसे पहले तो फरहाना जी के शो में चलो, चलें जी बहुत शुक्रिया। और साथ साथ हुमा कहती हैं आप ही मेरी कॉल नहीं लग रही है, हुमा तुम ट्राई करती रहोगी लड़की तो बिल्कुल जी लग जाएगी कॉल। जियाउल्लाह खान कहते हैं वाह आरजे फरहाना वाह आपकी तो माशाल्लाह हर तरफ निगाह होती है, माशाल्लाह आप अच्छी टीचर हो। शेख कासिम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनकी अजमत को सलाम जजाकल्ला। भी साथ कहते हैं बहुत शुक्रिया शेख कासिम अंकल, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। राना इफ्तिखार कहते हैं फरहाना मैम अगर मुझे अलादीन का चिराग मिले तो मैं जिनसे कहूँगा कि मुझे बस एक मंथ के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दे, स्ट्रॉ से पियेंगे चाय। अच्छा जी इमरान खान कहते हैं कि सो नाइस कॉल नसीर अंकल, बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। अच्छा इफ्तिखार राना इफ्तिखार का कमेंट पढ़ी थी मैं, कहते हैं कि मैं इस दुनिया के हर कोने में अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम लेकर आऊँगा, बेटा इतना आसान नहीं है ये और एक दिन में तुम कैसे लेकर आओगे। और साथ साथ अकबर खान कहते हैं नसीरुद्दीन भाई को और एसएम रजा अंकल को मेरा सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक बहुत शुक्रिया। और साथ साथ कहते हैं माशाल्लाह मैं अपनी दादी की दुआ के साथ हमेशा खुश रहता हूँ, ज़बरदस्त हो गया। और राशिद सलमान बहुत शुक्रिया। मोहम्मद राजा क्यों रो रहे हैं भाई आप, सनी सल्लू हमारे साथ मौजूद हैं और ये ठीक है। अच्छा और साथ साथ आफरीदी सलमान, ये आफरीदी सलमान की डीपी नहीं है ब्लैंक। अच्छा
ठीक है, मोहम्मद अली कहते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को कॉल करूंगा मैं। बिल्कुल जी अली, कल आपने कॉल नहीं करनी है, कॉल उठा दी मैं ड्रॉप कर दूंगी अगर तुमने कल कॉल की तो। सो साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं छोटी बेटी खुद ही उठकर फजर की नमाज पढ़ रही थी, दिल जीत लिया बाबा का, महनूर ने क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। और साथ साथ मोहम्मद अख्तर कहते हैं आपको और सब सुनने वाले मासूम लोग उनको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कुछ लोग अपने अंदर ही मासूम है सो सुन रहे होते हैं वो भी, और इतने मासूम है बताते भी नहीं है, उनको बताना नहीं आता मेरे ख्याल से, मेरे इतने मासूम है। मोहम्मद फराज कहते हैं अच्छा तो ये बात है, कल आऊंगा कॉल पर, डोंट वरी, हाँ कर लेना कल कॉल करके दिखाओ तुम आओ तो सही कॉल पर। जुबैर मुगल कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम रहीम यार खान, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जुबैर मुगल कहते हैं कि गुड शो, थैंक यू सो मच। अकबर खान बहुत शुक्रिया, और समीना उमर बहुत शुक्रिया कहते हैं आपने तो बताया नहीं कॉल किसको करेंगी जिंदगी भर और जिनसे कौन सी ख्वाहिश पूरी करवाएंगी। मैं क्यों बताऊँ, मैंने बताया था जिनसे जिन पे मैं भरोसा ही नहीं करूँगी, जिनसे ख्वाहिश पूरी करवाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जिन भरोसा कौन करेगा जिन पे वो खुद एक चिराग में रहता है उस पर भरोसा करूँगी मैं हैं। सो चले जी इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे मुलाकात होगी कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान, जब तक अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत 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 ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों की भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआएं मगफरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में याद। और ये ट्रैक फूलजेब साहब ने कहा था कि सब लिसनर्स के लिए, तो उन तमाम लिसनर्स के लिए जो के हैं परदेसी, परदेसियों के लिए, इटली वालों, सऊदीया वालों, और कौन कौन से जे अथों कदी रावे लंग जावे हयाती पंजाबी, इतना कोई इमोशनल ट्रैक है, चलें जी एंजॉय करें।